यहाँ पर हमारा आने का एम क्या है, हम लोग क्या क्या यहाँ पर क्या बोलते करने वाले, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ पहले आसान भाषा में, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि हो सकता है कुछ बात मैं लास्ट तक में बता पाऊँ। तो अब ऐसा मत बोल दो कि सर 10 मिनट में सारा चीज़ बता दो, कैसे बता पाऊंगा, थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्त, यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम बीम में क्या क्या पढ़ेंगे, बीम इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे बड़ा चीज है कि बीम इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके माइंड में आना चाहिए। आज के टाइम में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करोगी तो बीम की इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जस्ट अभिषेक से हमारी बात हो रही थी, आप लोगों ने सुना राइट, तो इस हमने क्या उनको बोला पता है, हम हमारा जो प्रोजेक्ट हमको मिलने वाला था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम खुद का प्रोजेक्ट लेते हैं और हमारी टीम उसको हैंडल करती है। तो अब प्रोजेक्ट मेरा, मुझे आपको पता है कैसे मिला, प्रोजेक्ट मिलने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, उसका 3D मॉडल, ठीक है, जो कि मैंने बनाया था रेबिट के ऊपर। दूसरा उसके बाद पता है क्या रीजन था, मैंने उसका नेबिस और पे एक बहुत बढ़िया सा वॉक थ्रू बनाया था, और उन दोनों को देख के क्लाइंट अट्रैक्ट हो गया, और उसके वजह से मुझे लगभग 22 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया। कितने का? 22 लाख का, जिसकी मार्जिन होगी अप्रोक्स 4 लाख से 5 लाख रुपए, जिसमें से डेफिनेटली हम दो लोग होते हैं, क्योंकि मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता हूँ सारा काम, तो हम टीम वर्क में बिलीव करते हैं, तो दो लोग मिलकर करेंगे, एटलीस्ट 2 लाख रुपए तो आ जाएंगे ना 3-4 महीने के अंदर। और ये कोई एक काम तो नहीं है, दूसरे काम भी हो सकते हैं हमारे पास। तो मतलब कुल मिला के ये मैं कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर हम कुछ और सीखने आए हैं, यस। तो बीम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे कि, एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इस समय सबसे ज्यादा जॉब बीम इंडस्ट्री के अंदर है। रीजन क्या है, अब वो टाइम चला गया कि लोग ऑटोकैड के अंदर प्लान दिखा देते थे और प्रोजेक्ट मिल जाता था, ठीक ठीक है ठीक बनाओ, नहीं, अब सभी लोग अवेयर हो चुके हैं, वो तुरंत यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि यार इस तरीके का घर कैसे बनेगा, तो बोलते हैं 3D मॉडल है क्या, वो बोलते हैं वॉक थ्रू है क्या, वो बोलते हैं प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा, अभी बना नहीं है, और बड़ी इंक्वायरी लेंगे आपसे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा, अच्छा प्लानिंग करोगे तो किस तरीके से करोगे, यहाँ तक पूछते हैं समेशन ड्राइंग कैसे बनाओगे। देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो आज के टाइम में क्लाइंट्स पूछते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई एक ट्रेनर नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, जरा मैं जो मेरा काम है मैं दिन भर करता हूँ, ठीक है, वही मैं आपको टीच करता हूँ और वही करूंगा। तो गाइज आज के टाइम में अगर आप इंडस्ट्री में बूस्ट करना चाहते हो खुद को, तो ये जान लो, आप खुद सोचो, ठीक है, मैं दूसरों की बात छोड़ दो ना यार, ठीक है। आपसे अगर मैं बोलूं कि आप अगर अपना घर बनाना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली आप भी बनाना चाहते हो, मैं भी बनाना चाहता हूँ, बड़ा महंगा हो गया है ये बात की बात है, लेकिन अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हो, जस्ट मुझे कमेंट करके बताना, क्या आप पहले अपना 3D बनाना प्रीफर करोगे या फिर डायरेक्ट घर बनवाओगे? आप जस्ट कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि आपको अपना एक ड्रीम हाउस बनाना है, तो आप क्या प्रीफर करोगे, 3D मॉडल बनाना प्रीफर करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, 3D, अब से प्रदेशी बोल रहे हैं 3D, बाकी लोग भी कमेंट कर दो यार, थोड़ा उंगली को मेहनत करवा दो, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा। आकाश भी बोल रहे हैं कि 3D, राकेश भी बोल रहे, सॉरी, ठीक है, बाकी लोग भी बता दो, अब्सोल्युटली 3D, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप में से कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे अपना घर नहीं बनाना है, ठीक है, सुनील बोल रहे 3D, थैंक यू, ओके। आप में से कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मुझे अपना घर नहीं बनाना है, ठीक है, मैं पूछूंगा भी नहीं कि नहीं बनाना है कि बनाना है, सब बोलेंगे कि मुझे अपना घर बनाना ही बनाना है, और अपना घर बनाना है तो आप बोलोगे सर 3D भी बनाना है, तो एक जॉब तो पक्की हो गई ना दोस्त, ठीक है। जैसे तुम सोचते हो वैसे मैं सोचता हूँ, वैसे ही इंडिया की 140 करोड़ आबादी सोचती है कि मेरा खुद का घर हो, उसका एक प्रॉपर 3D हो, प्रॉपर 2D हो, प्रॉपर उसका एक एस्टिमेट निकल के आ जाए कि कितना कब प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगेगा, उसके बाद उसकी प्रॉपर 3D डिटेलिंग्स हो कि कॉलम में कैसे बार डालेंगे, बीम में कैसे बार डालेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लाइंट हम लोग से एक एक चीज पूछते हैं कि भैया ये बताओ फुटिंग कितने साइज का देंगे, फुटिंग का कोई ड्राइंग है क्या, ऐसे करके डिटेल देते हैं। मैं आपको आज की स्टोरी से जस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि जबकि समझ जाओ कि हाँ यार ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और मेरा जो क्लाइंट थे वो, तो वो पहले वो जा चुके थे, ठीक है, उनको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पूरी ड्राइंग्स तैयार करनी पड़ी, आपको पता भी नहीं होगा मैं लगभग उसको ड्राइंग को बनाने में, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे भी तो लोग हैं जो पैसे चार्ज करते हैं ना, मेरी भी टीम फ्री में तो थोड़ी काम करेगी, तो लगभग मैंने 15,000 रुपये लगाए हैं डिजाइन करवाने के लिए, मतलब प्लानिंग करवाया, मॉडलिंग करवाया, स्ट्रक्चर एनालिसिस करवाया, तब जाके मुझे 22 लाख का प्रोजेक्ट मिला। और बिलीव करो ये भी चांस था कि मैं अगर वो सही से नहीं करवाता या फिर केवल 2D लेके चला गया होता स्केच करके,
तो 22 लाख का प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो आज के टाइम में ये तो फिक्स मान लो कि आपका कोई अगर ये बोले कि बी में कोई स्कोप नहीं है तो सबसे बड़ा गधा है। क्यों? उसे बोल दो भाई ये बताओ तुम अपनी 3D बनाओगे इन फ्यूचर अगर घर बनाओगे, वो बोलेगा यस। क्या एक उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाना चाहोगे, गार्डन ऐसा हो, ये ऐसा हो, ऐसा हो करवाना चाहोगे, वो बोलेगा यस। तो बोल दो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बी में स्कोप नहीं है? ठीक है, यही पे स्कोप खत्म हो जाता है, मतलब स्कोप भर भर के है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आप बोलोगे सर मुझे रेबिट आता है, ठीक है। एक्चुअली केवल रेबिट पैरामीटर नहीं हो सकता है बीम के लिए, ठीक है। रेबिट के साथ आपको बताना पड़ेगा कंपनी को लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? सिस्टमेटिक डिजाइनिंग कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक प्लानिंग कैसे करेंगे, किसके बाद क्या काम करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अगर मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ या फिर उसको सबमिशन ड्राइंग देने जा रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। अगर हमें इंडस्ट्री के अंदर काम मान लो प्रोजेक्ट ले लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कराने जाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से अप्रूवल चाहिए हमको, इन सब चीजों का हमें नॉलेज होना चाहिए। 2D का नॉलेज होना चाहिए, 3D का नॉलेज होना चाहिए, 4D, 5D, 6D, 7D का नॉलेज होना चाहिए, 8D का नॉलेज होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये 3D तक तो सुना था, आगे की कहानी तो मुझे पता नहीं है, राइट? ठीक है, ये कहानी भी जानना जरूरी है। 7D के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ओमकार लेफ्ट किया, चलिए कोई रीजन है तो लेफ्ट करिए। मैं बाकी लोगों से चाहूंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको भी टाइम दूंगा बात करने का, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो। क्योंकि देखो टाइम तो लगता है ना यार एक्सप्लेन करने के लिए, मेरे पास कोई दवाई नहीं है कि मैं 5 मिनट में करूंगा। पेशेंस बनाए रखना, समझना, फिर आप क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो आज के टाइम में आपको हर चीज आना चाहिए, ठीक है। 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D का फुल नॉलेज होना चाहिए, LODs का फुल नॉलेज होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको BVS निकालना आना चाहिए, प्लानिंग करना आना चाहिए, बिल्डिंग बाय लॉ, वास्तु के रूल्स, रेरा के क्या क्या नए नए रूल्स हैं, कहाँ से रेरा आया, रेरा के क्या क्या रेगुलेशंस है, फुल नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि भाई जो कॉलम लगा रहे हैं इसके स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं, बीम के स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं, इनकी डिटेलिंग्स कैसे करेंगे, देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए हमने जो ट्रेनिंग ऐड किया हुआ है, हमारा ट्रेनिंग अलग क्यों है, ठीक है। एक्चुअली मैं खुद को ट्रेनर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं ट्रेनर नहीं हूँ। ट्रेनर तो वो होते हैं जो आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं, बहुत ही ग्रेट होते हैं। मैं तो सिर्फ वो बताता हूँ जो मैं काम करता हूँ। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो बीम में पूछा जाएगा, ठीक है, वो मेरे नोट्स के अंदर से होगा। रीजन ये है कि 7 साल हो गया है, ठीक है, और डेफिनेटली मुझे पता चल चुका है कि किस कंपनी में क्या पूछते हैं और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ एक्चुअली, ठीक है। बिजनेसमैन को मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कंपनी को हायरिंग कैसे बंदों की चाहिए होती है। कंपनी को चाहिए होता है कि मेरा काम करके दे दो। आज मुझे वीडियो एडिटर की नीड थी, अभी मैं यूट्यूब पे बता रहा था, वीडियो एडिटर की नीड थी। मैंने उससे नहीं पूछा कि तुम हाई स्कूल पास हो कि बीए पास हो, ठीक है। वो बोला सर मैं आपको CV भेजूं क्या? मैं बोला यार ये क्या करूंगा तुम्हारी CV में। तो बोला क्यों सर? मैंने बोला एक वीडियो भेजो जो तुमने बनाया हो। क्यों? क्योंकि मुझे उसी से आइडिया लग जाएगा उसकी एक्चुअली लेवल क्या है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से वो वीडियो एडिटर सीखा हुआ है या फिर जो भी चीजें सीखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप कहीं से भी सीखो, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समराइज करते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं इस 4 महीने में। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि कई लोग हो सकता है उनके पास टाइम की कमी हो। तो हम लोग गाइस इसमें सबसे पहले ऑटोकैड सीखेंगे। हमारा ऑटोकैड दूसरों के कंपेयर में अलग होता है। अब से एक हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, कई लोग हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है। हमारा ऑटोकैड थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, आर्किटेक्चरल डिटेलिंग्स दोनों सीखते हैं हम लोग। उसके बाद बायलॉज सीखते हैं, सबमिशन ड्रॉइंग्स, वर्किंग ड्रॉइंग्स, इसके बारे में फुल नॉलेज लेते हैं। ये पहला प्रीफरेंस रहेगा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, जिसको कि प्रोफेशनल लेवल पे आपको प्रोजेक्ट सबमिट करके देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं सीखेंगे कि जस्ट ठीक है ये टूल है, ये वॉल है, देखो यहाँ से वॉल ड्रॉ करेंगे। अरे ये सीखना होता तो मेरे पास क्यों आए हो, फिर यूट्यूब से सीख लो, ठीक है। ये हम नहीं सिखाते हैं। हम बोलते हैं भाई हमको प्रोजेक्ट चाहिए, और हम प्रॉपर पोर्टफोलियो बनवाते हैं कि भाई आप कम से कम 45 से 50 प्रोजेक्ट्स करो, उसमें से क्रीम 15 से 20 प्रोजेक्ट्स निकालो, उनका पोर्टफोलियो बनाओ। क्यों? क्योंकि कंपनी में जाओ तो ये मत बोलो कि सर मैं बीटेक किया हूं, मैं फ्रेशर हूं। उनको बोलो भैया ये मेरे पोर्टफोलियो है, आप मेरा काम देखिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में यही कंपनी को चाहिए होता है। तो आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगा पूरा का पूरा, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP पूरा ट्रेंड करूंगा। उसके बाद मैं आपको टेक्ला सिखाऊंगा। आप बोलोगे सर 3ds Max वगैरह, वो सब बाद में। सबसे जो जान है ना बीम की, वो जान है ऑटोकैड, रेबिट, उसमें भी ऑटोकैड एक्चुअली नहीं है, बट ऑटोकैड नहीं जानोगे तो कई बेसिक चीजें छूट जाएंगी, इसलिए ऑटोकैड, रेबिट और टेक्ला का फुल नॉलेज होना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट प्रिफरेंस होता है। उसके बाद हम आपको नेविस्वर सिखाते हैं, फिर स्केचअप सिखाते हैं, फिर 3ds Max सिखाते हैं। एक्चुअली स्केचअप और 3ds Max की नीड नहीं है,
बट क्या होता है कि कल को आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, कई लोग करते भी होंगे, तो उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि आप स्टेबल हो जाओ। तो ट्रेनिंग मतलब ओवरऑल आपका डेवलपमेंट करना, ठीक है? तो आप बोलोगे सर ये सारी चीजें तो मैं इंस्टीट्यूट्स में भी सीख सकता हूँ ऑफलाइन, तो मैं आपके पास क्यों आऊँ? तो इसका रीजन ये है कि भाई ये सब चीजों का जो हम लोग जो सीखने वाले हैं पूरा ये प्रोफेशनल सीखने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर डेली आपको काम दिया जाएगा, ठीक है? आप में से कई लोग होंगे जो मेरा बीम का कोर्स ले रखे होंगे, बेस्ट कोर्स है, मैं खुद बोल रहा हूँ। जो लोग कंसिस्टेंसी से उस कोर्स को पढ़ सकते हैं, गुरुकुल माने की नीड नहीं है दोस्त, क्योंकि वही चीज गुरुकुल में भी सिखाया जाता है। बट यहाँ बेनिफिट क्या होता है, यहाँ 1.5 घंटे में आपके साथ रहता हूँ और मेरा मोटिवेशन आपको बहुत हेल्प करता है। 1.5 घंटे में मैं डेली आपका असाइनमेंट चेक करता हूँ। कैसे 1.5 घंटा हम लोग डिसाइड करते हैं समझो, पहले आधे घंटे में हम आपका असाइनमेंट चेक करते हैं कि आपने बनाया क्या, गलत क्या किया है, उसी समय चेक करके बताता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आधा घंटा होता है, इसमें मैं इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूँ। किसी दिन बीम डिस्कस करूंगा, किसी दिन बीवीएस डिस्कस करूंगा, किसी दिन हम बीम कोऑर्डिनेटर क्या होता है, बीम मैनेजर क्या होता है, किसी दिन डिस्कस करूंगा स्मार्ट बिल्डिंग क्या होती है, किसी दिन डिस्कस करूंगा डक्टिंग क्या होती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का पूरा लिस्ट है हमारे पास, जो कि टोटल 4 महीने आधे आधे घंटे डिस्कस करता हूँ, और यही आपको एक्चुअल में स्ट्रांग बना देती है। नेक्स्ट आधा घंटा मैं आपको देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं डेली आपको वीडियो लेक्चर भी बोलता हूँ कि आज आपको वीडियो नंबर ये और ये वॉच करना है, इसके बेस पे असाइनमेंट करना है। डेफिनेटली जब वो करते हो तो बीच में डाउट तो आएगा ना यार, तो जो डाउट आएगा वो नेक्स्ट आधे घंटे में आप मेरे से एक एक करके पूछ सकते हो। और इसमें ना मैं सबको बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि मैं 100 बच्चों को ऐड करूंगा, केवल 20 बच्चों को। क्यों? क्योंकि 20 बच्चों को आप डेली समझ सकते हो कि यार इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी जैसे मान लो कि अमन है, इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इनको पर्सनली गाइड कर पाऊंगा। 100 लोग होंगे तो मैं कैसे गाइड कर पाऊंगा, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए 20 बच्चों को रखते हैं और ओनली 20,000 इसका फी रखते हैं, और जितना कुछ पढ़ाता हूँ सब लाइफ टाइम के लिए दे देता हूँ आपको, सो दैट कल को तुम भूल गए, कल को तुम अभी आज टेगला पे काम कर रहे हो, कल तुमको प्रोजेक्ट आ गया रेबिट पे, कोई दिक्कत नहीं, जाओ लेक्चर रिवाइज करो, काम करो, तो आपको क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। तो लाइफ टाइम के लिए आपको कोर्स मिल गया, पहली चीज। सारे सॉफ्टवेयर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बाद सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और एक चीज की गारंटी मिलेगी कि जो मैं पढ़ा दूंगा इंटरव्यू में उसके अंदर से रहेगा, उसके बाहर से नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं, इतना ट्रस्ट कर लो, ठीक है? इतना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है, हर फ्राइडे को आपको, जैसे कि फर्स्ट फ्राइडे को मैं आपको मॉक इंटरव्यू के लिए इंट्रोड्यूस करूंगा, आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आंसर करोगे, तो आपका ना एक इंटरव्यू का फियर खत्म हो जाता है कि हाँ यार ये इंटरव्यू का कैसे, इंटरव्यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछ लिया गया तो कैसे होगा, ठीक है? तो ये आपका डर खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज, नेक्स्ट फ्राइडे को क्या करता हूँ, आपको देता हूँ कि भाई ऑटो गाइड खत्म हो गया ना, चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट है, 30 क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाओ कितना सीखा है। अब क्या हो गया, ऑटो गाइड तुम्हारा हो गया, ऐसे रेबिट कंप्लीट हुआ, चलो रेबिट पे टेस्ट दो। तो हर सॉफ्टवेयर पे एवरी फ्राइडे टेस्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को क्या करेंगे, आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, इतना टाइम है, इतने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मुझे दिखाओ। आप सबमिट करते हो तो आपका कैट टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाती है। उसके नेक्स्ट फ्राइडे को क्या करते हैं, आपको एचआर के इंटरव्यूज की तैयारी करवा देते हैं कि भाई एचआर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाती है, फेस टू फेस की भी तैयारी हो जाती है, टेलीफोनिक की भी तैयारी करवा देता हूँ यहाँ पर, और उसके साथ ही साथ नो डाउट कैट टेस्ट का तो होता ही होता है। रिज्यूम मैं बनवाऊंगा, पोर्टफोलियो मैं बनवाऊंगा, और सब मेरे हिसाब से ही होना चाहिए ये, क्योंकि मुझे पता है ना इंडस्ट्री को क्या चाहिए यार, ठीक है? इंडस्ट्री को आपको आपकी फोटो नहीं चाहिए रिज्यूम में, उनको अपने लड़की से तुम्हारी शादी थोड़ी करनी है, ठीक है? उनको देखना है, उनको काम देखना है, तो हमें रिज्यूम किस तरीके से बनाना है वो मैं डिसाइड करूंगा, तो वो आप उसी हिसाब से करोगे। पोर्टफोलियो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। हर कंपनी में शॉर्टलिस्ट करने का एक तरीका होता है, आपको पता है। आज एक बहुत राज की बात बता देता हूँ, आप लोग जो रिज्यूम भेजते हो आपके रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होते होंगे, आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि रिज्यूम जो होते हैं कंपनी में जब जाते हैं तो आपको लगता है कि 1,000 रिज्यूम को कोई देखता होगा, कोई देखता नहीं आपके रिज्यूम को। आप बोलोग सर इतना और अप्लाई किया Naukri.com पे, इंडीड पे, और आप बोल रहे हो कोई रिज्यूम देखता नहीं है, मैं तो बेवकूफ बन गया। यस, क्या होता है, कंपनीज के पास सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, बहुत ढेर सारे हैं, फेमस सॉफ्टवेयर है ATS, ठीक है? ATS सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो देखता है कंपनी की रिक्वायरमेंट, तो उसमें डाल दिया जाता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है? और उसके बाद आपके सारे रिज्यूम एक साथ अपलोड कर दिए जाते हैं वहां पर। कंपनी तुरंत वो क्या सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैच करता है आपका जो काम है और जो कंपनी का काम है, मैच कर रहा है क्या? अगर मैच कर रहा है सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, मैच नहीं कर रहा है रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, मैक्सिमम एक्चुअली 95% लोगों की सीवी वहीं डिलेक्ट हो जाती है।
अगर वो वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगी किसी एमएनसी के अंदर, आप खुद जानते हो कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें रिज्यूम कैसे सेट करना है। ये ट्रिक मुझे आता है, ठीक है, कैसे सेट करना है कि उस एटीएस सॉफ्टवेयर के अंदर वो फिक्स हो जाए, ठीक है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये ट्रिक होती है कि क्या चाहिए, क्या रिज्यूम में ऐसा लिखोगे कि उस कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, इसकी गारंटी देता हूँ। ये मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, तो वो सब भी इसके अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे कैसे करना है। और इसका जो टाइमिंग है जॉब का, जो अपना क्लास का टाइमिंग है, इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा। क्लास का टाइमिंग है मॉर्निंग में 10:30 से 12, ठीक है, 10:30 से 12 बजे तक है। थोड़ा सा अनकम्फर्ट टाइम है, ठीक है, इसके लिए मैं एग्री करता हूँ, कोई दो राय नहीं है। रीज़न ये है कि मेरा इवनिंग का पूरा स्लॉट बुक है रात को 12 बजे तक। लेकिन हाँ, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरी इवनिंग की बैच कंप्लीट होती है 1 महीने बाद, मैं आपकी जो 10:30 से 12 की बैच है इवनिंग में कर दूंगा, वो भी बहुत अच्छे टाइम पे, 9 to 10:30 पे। तो इस तरीके से टाइम प्रोग्राम है। बट अगर कोई हार्ड कोर जॉब में है जिसका पॉसिबल ही नहीं है 10 मिनट भी देना, तो उसको कोई वो नहीं है, ठीक है, उसको मेरा सजेशन रहेगा कि वो बीम का वीडियो कोर्स ले लेगा, ठीक है, जो जॉब में उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जॉब में नहीं है दोस्त, आपको तो वीडियो कोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो कोर्स होता है क्या कि आप ले लोगे, सीखते नहीं हो। जो जॉब में है उनको पता है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, वो सीखते ही सीखते हैं, और उनको ये भी पता है कि अगर नहीं करेंगे तो यार यही 10,000, 15,000, 20,000 रुपये झेलते रह जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो तो करते करते हैं। जो जॉब में नहीं हो दोस्त, फ्रेशर हो आप, डेफिनेटली फ्रेशर इन द सेंस कि जॉब अभी नहीं कर रहे हो, तो आपको गुरुकुल ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। इसकी जो फी भी रखी गई आपको बता दिया, 20,000, 5,000 पे करके अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। मेरा गूगल पे नंबर है, अकाउंट नंबर है, मैं आपको सब शेयर कर दूंगा ग्रुप में आपके हिसाब से। अब रही बात की पैकेज सोच रहे हो कि सर पैकेज कितना मिलता है, तो बीम के अंदर दोस्त पैकेज कैसे मिलता है, पैकेज मिलता है आपके नॉलेज पे, ठीक है। स्टार्टिंग पैकेज आपको कैसे मिलेगा, इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसीलिए मैं हर फ्राइडे को आपको बहुत चिल्लाता हूँ, इसके अंदर बहुत बेइज्जती करता हूँ एक्चुअली, सच बताओ तो मैं आपको चिल्लाता हूँ कि कम्युनिकेशन क्यों स्ट्रांग नहीं कर रहे हो। तो हमने कम्युनिकेशन का ग्रुप बनाया हुआ है, आपको उसके अंदर डालता हूँ, मैं बोलता हूँ लोगों से बात करो, गूगल मीट से बात करो, वीडियो कॉलिंग से बात करो, ठीक है, वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत करो, बस इतना ही देखता हूँ, बाकी गूगल मीट से बात करो, कुल मिला के कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करो। क्योंकि बीम मैक्सिमम एमएनसी वर्क करती हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि एमएनसी को ज़्यादा काम मिलता है बीम पे, तो उनको चाहिए होता है फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, वो जिसका है उसका बहुत ज़्यादा इसमें पैकेज होता है। अब बात करते हैं स्टार्ट में, स्टार्ट में अगर कोई ही बेसिक लेवल की कंपनी है तो पे करती है फ्रेशर्स के लिए 15,000 से 20,000 रुपये, कोई इंटरमीडिएट लेवल की कंपनी है तो 20,000 से 25,000 रुपये पे करती है, कोई भी एमएनसी है तो 25,000 से 35,000 रुपये करती है। ये बीम का स्टार्टिंग पैकेज है, बट एक्चुअली में ये पैकेज कोई खास पैकेज नहीं है। पैकेज स्टार्ट होता है इसके बाद जब आपके पास साल भर का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप मिनिमम अगर अच्छी कंपनी में लगे हो तो 40,000 रुपये का पैकेज होता है। आप किसी भी एक अच्छे बीम एक्सपर्ट से पूछ लेना, ठीक है, मैं खुद भी, ठीक है, मेरी लास्ट सैलरी 70,000 थी, तो मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा सैलरी ग्रोथ होता है अगर आप एक एमएनसी के अंदर हो, 40,000 मिनिमम। रीजन क्या होता है, इसके अंदर इतना इतना कुछ सीखने को है, जब आप इतनी स्किल्स आप सीख लेते हो तो डेफिनेटली कई लोग लेट आ रहे हैं तो एक प्रॉब्लम होगा कि आप स्टार्टिंग को समझ नहीं पाए होगे। तो ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे कल मॉर्निंग में डाल दूंगा, तो दोस्तों आप देख लेना तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप 1 साल के बाद ना मास्टर बन जाते हो आप, फिर इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है कि आप कंपनी में तो काम करते ही करते हो, इसका फ्रीलांसिंग काम भर भर के मिलता है। कैसे भाई, सबको 3D बनानी है, सबको वॉक थ्रू कराना है, सबको प्लानिंग करके देना है, कंपनी में काम करो, साइड बाय साइड अपना काम करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो यार, तुम भी शायद मिडिल क्लास से ही सभी लोग होगे, कोई अगर MLA वगैरह का लड़का है तो बता देना, ठीक है, बाकी हम भी मिडिल क्लास से हैं, ठीक है, मेरे पिताजी भी ऑटो ड्राइवर थे, तो हमारा लेवल वो है कि हमारे माइंड में डाल दिया जाता है कि केवल और केवल जॉब। हमको बचपन से ये पूछा बोला जाता है कौन सी जॉब करोगे, ठीक है, कभी ये बोला ही नहीं गया कि आप कौन सा बिजनेस करोगे, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर ये भी डेवलप करता हूँ, क्योंकि ये मैं बाद में सीखा कि एक्चुअली तो जो सक्सेस है वो बिजनेस के अंदर है। जॉब करनी चाहिए सीखने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए, और उसके बाद खुद का काम करना चाहिए। यही मेरा, यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अब आपको समय दे रहा हूँ, आप अपने दिल की बात करो, ठीक है, वो आई लव यू वाला नहीं, दिल की बात मतलब भीम वाला बात करना, ठीक है। मैं थोड़े लाइक कॉमेडी करके ही लाइक क्लास लेता हूँ, क्योंकि अगर बहुत सीरियस हो जाओगे तो बोर हो जाओगे, आप भी समझो नहीं पाओगे, तो मैं मस्ती लेते हुए क्लास को करता हूँ, थोड़ी बहुत खिंचाई करता हूँ, बट कोई बुरा नहीं मानता, कि सब जानते हैं दिल अपना साफ है, ठीक है। चलो अब पूछो भैया, आपका क्या डिस्कशन है, क्या कुछ दिमाग में है, पूछ लो। अजय,
अभिजीत, भावेश, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके पूछो, क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछोगे दैट मीन आप इंटरेस्टेड हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस वगैरह पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट वो मैं ग्रुप में दे दूंगा वो भी, ठीक है। और बस ये बोलता हूँ कि यार अगर ट्रस्ट करते हो तो आओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ कि यूट्यूब से बड़ा कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपर्ट बनने के लिए यूट्यूब सफिशियंट नहीं है, किसी न किसी एसोसिएशन में आना पड़ेगा। हाँ सैफी बताइए, सैफी बताइए। नहीं सर, थैंक यू, चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। ओके ओके, सब समझ में आ गया। सर आपके जो समझाते हैं, आपकी बातें और आपके उससे बहुत काफी हेल्प मिलती है, अरे वाह वाह, पढ़ने में मैं धन्यवाद धन्यवाद, आपको आपको काफी दिखता रहता हूँ सर। अरे वाह वाह, इतना इतना आपने बोल दिया, बहुत यूट्यूब पर फॉलो कर रहा हूँ सर आपको, और टेलीग्राम है, इंस्टा, सभी जगह आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। जो आपने स्ट्रक्चर किए और जो BIM के बारे में आप जो बता रहे तो हैं, मैं किडनैप सारे कर लेक्चर्स जी किडनैप किडनैप करने का तो प्लान नहीं है। नहीं सर, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा अच्छे से समझाते हैं, तो आपको अच्छा आपके इस पढ़ाई से हमको काफी हेल्प मिलती है सर। ओके, थैंक यू सो सर मच। मेरे को एक चीज इसके बारे में जानना था, जो स्ट्रक्चर्स के, जब मैं स्टैट प्रो पे हाँ जब वर्क करता हूँ, और उसमें जब कॉलम्स के स्ट्रक्चर के लोड कैलकुलेशन के लिए, उसमें जब जैसे कोई हाई राइज बिल्डिंग्स में मॉल डिजाइन करना है, तो उसमें सर वो भी नहीं आ पा रहा है। मॉल अगर आप डिजाइन कर रहे हो ना, तो आप गलत सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो। आप अगर इंजॉय करना चाहते हो एक्चुअली एनालिसिस को, तो आप ईटैब पे करो मॉल की डिजाइन। क्या होता है, मॉल बहुत बड़ा स्पैन हो जाता है, ठीक है। अभी एक बच्चा कर रहा था, यहाँ पे गोरखपुर का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे एक कॉलम फेल होता, क्योंकि आपको पता ही कि स्टैट के अंदर इतना ऑटोमेशन है नहीं, ये तो आप एग्री करेंगे, ठीक है। जी तो एक कॉलम फेल हो रहा था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिल जा रहा था, पूरा एकदम हैंग करने लग रहा था। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप, क्योंकि मॉल को कहते हैं, मॉल एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, बिल्डिंग दो तरीके की होती है, एक जनरल बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, तो आपको ई टैप पे जाना चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन पूछ लो अपना। सर, इसको वाटर टैंक वगैरह जो डिजाइन किए गए हैं, किस तरीके से कैसे करना चाहिए? ठीक है, वाटर टैंक के लिए सबसे अच्छा जो रहता है वो रहता है कि आप एक्सेल शीट से करो, क्योंकि वो तो FEM मेथड से आपको परसेंटेज ऑफ स्टील दे देता है स्टैट, बट आई सजेस्ट कि अगर आप एक्सेल शीट से करते हो, क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपने देखा होगा मेरे स्ट्रक्चर्स में, मैं सिखाता हूँ मैनुअल एंड एक्सेल। रीजन यही है कि ऐसे कई ढेर सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका एक्चुअली अगर आपको सॉफ्टवेयर से ही करना है, तो SAP 2000 सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप वाटर टैंक को प्रॉपर डिटेल कर सकते हो। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर से नहीं करना है, तो आपको एक्सेल शीट से करो, सबसे बेस्ट डिजाइन आपकी होगी। सर प्लानिंग तो हमारी रैबिट में हो जाती है, पूरी एलिवेशन पूरे तरीके से डिजाइन शीट वगैरह उसमें निकल आती है, करेक्ट, लेकिन उसके बाद जो आपने बताया था BVS और जो बार बेंडिंग शेड्यूल, उसके लिए वो सर एस्टीमेट, उसके पूरे जो कैलकुलेशन है वो अभी इजी नहीं हो रहा है सर हमारे लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ना क्या बोलते हैं, आई थिंक आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा ना, आप एक बार ऑल इन वन में देखो, ऑल इन वन आप ले लो, बहुत नॉमिनल फी में है वो। तो उसमें ब्रदर आपको ना रेबिट वाला जब लेक्चर देखोगे, तो मैंने उसमें सिखाया हुआ है कि उसका एस्टिमेट कैसे करते हैं, पूरा का पूरा रेबिट के अंदर एक इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, अगर आप बेसिक जानना है तो यूट्यूब पे भी सीख सकते हो आप, या कैसे आप ब्रिक नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हो, सीमेंट निकाल सकते हो, सैंड निकाल सकते हो, जस्ट आप डालो एस्टिमेशन बाई आकाश पांडे, कई वीडियोज है मेरे, और मैं जनरली सॉफ्टवेयर पे ही करता हूँ रेबिट पे ही। और उसके बाद आप वहां पर BVS भी निकाल सकते हो, रेबिट स्ट्रक्चर के अंदर स्टील कितना लगेगा, एवरीथिंग। तो आपको रेबिट स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए और सर आर्किटेक्चर। एक एक चीज हो रहा है सर, मेरे जो रैबिट 2023 में बोल रहा हूँ, मेरे करेक्ट, जो लैपटॉप है उसमें सर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसमें लाइसेंस उसका की का वो उसमें एरर तो दे दे रहा वो ब्रदर क्रैक नहीं होगा फिर वो सॉफ्टवेयर आपका। आप है। मुझे जी उसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए, मैं आपको बता दूंगा प्रॉब्लम क्या है। और वैसे मैं क्रैक करके तो नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि इतना समय हो नहीं होता अपने पास, लेकिन अगर जी आपको कोई टेक्निकल बंदा चाहिए तो मैं दे दूंगा, दो तीन लोग मेरे पास हैं जो यही काम करते हैं, तो आपकी हेल्प कर देंगे। जी थैंक यू सर, मैं आपको इस पे इसी नंबर पे व्हाट्सएप शेयर करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी हेलो। हेलो, हाँ मंजुनाथ, हेलो। हाँ सर, मेरा एक डाउट था कि मतलब हाँ ये समझो कि द अमाउंट ऑफ कंसल्टेंसी जो स्ट्रक्चर्स में है तो हाँ उतने ही इक्वल प्रोपोर्शन में बीम में है क्या? क्योंकि बीम में मैंने जितना देखा ना, मेरे आसपास उतना है नहीं, कि मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ हाँ तो वहाँ पे तो बीम का जो कंसल्टेंसी का फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, तो करेक्ट। जब हम जॉब अप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा ना, कि ये तो आपने उससे कैसे क्या डिसाइड है? कर लिया? नहीं सर, मैं जॉब सर्च कर रहा था तब देखा था मैंने, ओके, मतलब बीम के इतने आप पोस्ट निकल रहे कंपेयर टू स्ट्रक्चर्स, अच्छा, मतलब बस आप स्ट्रक्चर्स बताओ में। मुझे, आप बताओ मुझे कि अगर आप
आप एक बिल्डर हो, ठीक है, और अगर आप एक सोसाइटी बना रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक सोसाइटी डेवलप कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली उसमें आप स्ट्रक्चर एनालिसिस तो करवाओगे करवाओगे। यस सर, क्या आप प्रीफर करोगे कि केवल केवल प्लानिंग के बेस पे पूरा अपार्टमेंट डिजाइन किया जाए, 3D ने बनाया जाए उसका? नो सर, ठीक है, कम से कम आप 50 से 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और 50 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला क्या ये नहीं सोचेगा कि 50 लाख रुपए दे के बीम कवर करा लूं? ठीक सोचेगा। है, ठीक है, ऐसी कोई बिल्डिंग ही नहीं ब्रदर जिसकी एनालिसिस हो तो उसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस ना हो, सॉरी, अगर एनालिसिस हो तो उसका बीम का प्रोजेक्ट ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आप G+1 की बात कर रहे हो तो हो सकता है लोग ना कराएं, ठीक है, क्योंकि G+1 में नीड नहीं है, बट अगर कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, अच्छा तुम ही बताओ, ठीक है, अभी मैं बच्चों से पूछा था, तुम ये बताओ, तुम अपना जब कल को ड्रीम प्लान करोगे, खुद का कुछ घर डिजाइन करोगे, तो क्या केवल ऑटोकैड पर ड्रॉ करके बनवाओगे क्या? सच बताना नहीं, बस, अब क्यों बोल रहे हो फिर? ठीक है, तो एक्चुअली पता क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि जॉब सर्च कैसे करनी है, ठीक है, दोनों में इक्वल है। इवन तुमको एक चीज बोलूं क्या, आज के टाइम में लोग स्वॉप पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बीम पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, रीजन क्या है ब्रदर? अभी पता है क्या, मैं अभी जस्ट इन लोग को स्टोरी सुना, तुम लेट में आए हो, मैं स्टोरी सुना रहा था, तो भाई साहब जो क्लाइंट थे वो मेरे कई 3Ds को रिजेक्ट कर दे रहे, तो बोल रहे थे कि सर मुझे ना आप चाहे जो पैसा ले लो, मुझे ना मेरे मोहल्ले का सबसे अच्छा घर चाहिए, और हर एक क्लाइंट यही बोलता है, तो अपॉर्चुनिटी तो यही है ना, यस ठीक है, बस हमें पता नहीं कि लोकेशन क्या है उसका। चलो, सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ, अभी समझो मैंने 2 ईयर्स का साइट इंजीनियर मतलब साइट वर्क किया था, और करेक्ट अभी मैंने जॉब लीव किया था करेक्ट ड्यू टू सम फाइनेंशियल मतलब फैमिली कंडीशंस की वजह से। करेक्ट, तो ये साइट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बीम में काउंट करा सकता हूँ क्या किसी तरीके बिल्कुल से, या करा फिर? सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। देखो कैसे होता है, मैं ना अपने जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है ना, मैं उसका 4 मंथ का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देता हूँ। जैसे आप 4 मंथ का इंटर्नशिप लगाते हो ना सबसे पहले, और उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करवाता हूँ कि हम क्या क्या सीखते हैं, और डिस्क्राइब भी वही चीज करवाता हूँ जो एक्चुअली में जिसकी आपकी आपकी एक्सपर्टीज रहती है, तो कंपनी का पहला क्वेश्चन हो जाता है, अच्छा इंटर्नशिप किया है, कहाँ से किया है, क्या सीखा है, वो एक्चुअली उसका फोकस ही पीछे नहीं जा रहा है, उसका फोकस प्रेजेंट पे होता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक बच्चा आता है तो मैं उसे ये नहीं पूछूंगा कि बताओ 12th में तुम्हारे कितने परसेंट थे, मैं बोलूंगा बी कहाँ से किया या फिर बी कब किया, ये पूछूंगा ना हमेशा लेटेस्ट, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है, देखो बोलने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका था कि मैं तुमको बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं, नहीं, बीम कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीका था मैं तुमको बोल दूं कि हर एक जगह पर जहां स्ट्रक्चर यूज होगा वहां बीम यूज होगा। तो ऐसे ही अगर तुम उनको साइड वाले मतलब जो अभी कंपनी है उसको कन्विंस कर सकते हो अगर कि सर मैंने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अनुभव के साथ सब कुछ एग्जीक्यूट करना मुझे आता है, तो अगर मैं इस चीज को मॉडलिंग कर दूंगा, इस चीज को पूरी की पूरी प्लानिंग कर दूंगा, तो शायद मैं सबसे बेहतर करूंगा कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि मैंने देखा हुआ है करके, अब उसको बनाना कितना आसान हो गया मेरे लिए, समझ गए? आप खुद एक एक वर्ड उनको बोलोगे कि आप मान लो कि स्ट्रक्चर मॉड्यूलर की प्रोफाइल है, ठीक है, आप बोलोगे सर एक लड़का रहेगा वो कॉलम डालेगा, एक्स्ट्रा बार डालेगा, बार डालेगा, क्रैंक बार डालेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा होता कैसे है, और मैं तो देख के आया हूं। गेटिंग माई पॉइंट? यस यस सर, यस सर, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है, वो करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं जगा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है, चलेगा। ओके ओके ओके, मैं हर फ्राइडे को यही डिस्कस करता हूँ। चलो, यही मतलब यही टॉपिक नहीं, इस तरह के हेलो क्वेश्चंस। हाँ जी, हाँ जी, बोलाइए सर, सुहेल। मैं ये कह रहा था, ये जो कूम सॉफ्टवेयर है और गूगल स्केच है, BIM, ये इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कौन सा बेटर है इन दोनों में, और क्या डिजाइनिंग? थ्रीडेस मैक्स से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इंटीरियर के लिए, ठीक है, इवन इंटीरियर के कॉलेज में थ्रीडेस मैक्स सिखाया जाता है, थ्रीडेस मैक्स से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है? हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, मोहसिन खान बताइए। खान साहब, सर आर्किटेक्चर और BIM में डिफरेंस क्या है सर? जो ओके। आर्किटेक्चर स्टूडेंट है वो तुम अगर से आर्किट BIM में जाना तुम चाहे तो आर्किटेक्चर हो कि डिफरेंस सिविल से क्या हो? सर? सिविल तुम आर्किटेक्चर हो कि सिविल से हो? से हूँ सर, बट सिविल से हो, ओके। प्लानिंग नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, प्लानिंग एजुकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा। अब देखो क्या होता है कि किसी भी किसी चीज का अगर मैं बोलूं कि एक होता है कुक, एक होता है कुक, और एक होती काम वाली,
ठीक है, एक होता है खाना बनाने वाला, और एक मतलब जिसको सेफ बोलते हैं आजकल अपने इंग्लिश ट्रेंड में, ठीक है, सेफ बोलते हैं, और एक होता है काम वाली। काम वाली के साथ एक फीचर होता है, ठीक है, बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल देता हूँ। तो क्या बोलते हैं, जो काम वाली होती है ना, वो खाना भी बना देती है, ठीक है, और वो झाड़ू पोछा भी लगा देती है, और कई जो अच्छे काम वाली है वो कपड़े भी धुल देती है, ठीक है। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग। हाँ बोलो कि सर कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। और जो सेफ होता है वो क्या करता है पता है, वो केवल खाना बनाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर तुम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, तुम स्ट्रक्चरल के बाद अपना 3D मॉडलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, तुम एस्टिमेशन का भी पूरा काम सबमिट करके दे सकते हो, ठीक है, तुम पूरा का पूरा एनिमेशन भी करके दे सकते हो, बट जो आर्किटेक्ट होगा उसका काम केवल और केवल मॉडलिंग कराता है, ठीक है, उसकी लिमिटेड प्रोफाइल हो जाती है, वो MEP में काम नहीं कर पाएगा, वो रेवी स्ट्रक्चर में काम नहीं कर पाएगा, कर सकता है बट उसको डोमेन पे अलाउ नहीं करेंगे। तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स होती है कंपेयर टू उनके पास। हाँ जी करण जी सर, बताइए। एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट ऑटोकैड एलिवेशन 2D प्लानिंग, इसमें थोड़ा वर्क लेकिन ये करने बताओ के तुम्हारा लिए क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चरल मिला कि नहीं, ड्राइंग में। जी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जी मिली, वेरी लाइक गुड, क्लैरिटी भी मिली कि सिविल इंजीनियर को फॉरवर्ड ये यस। करना सिविल चाहिए। इंजीनियर कल को BIM कोऑर्डिनेटर बन सकता है, BIM मैनेजर बन सकता है, प्रोजेक्ट हेड बन सकता है, इसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कंपेयर टू क्या बोलते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट में भी बहुत से हैं बट उनका एक अलग पूरा ऑरा है। क्या वो एनिमेशन में जाएंगे, ठीक है, उनका एनिमेशन का काम जाएगा, वो लैंडस्केपिंग में जाएंगे तो उनका एक अलग प्रोफाइल है पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन सिविल इंजीनियर के पास मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा प्रोफाइल है। यस करण, हाँ सर, मैं वर्किंग पर्सन हूँ, नाइन ओके करेक्ट, टू सिक्स मेरा जॉब रहता है, तो मैं गुरुकुल बैच का टाइमिंग मेरे लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि वीडियो लेक्चर्स में आपका कोर्स लूँ, तो करेक्ट सर वहाँ पर शायद हो सके कि मेरे को कोई डाउट आए तो वो मैं कैसे सोल्व कर ब्रदर, सकता मैं हूँ सर। डेली 10 से 10:30 सिर्फ उनके लिए नहीं जो मेरे बीम के कोर्स लेंगे या फिर कोई कोर्स लेगा, उनके लिए नहीं, सबके लिए। मैं जैसे अभी लाइव आया हूँ, 10 से 10:30 मंडे टू फ्राइडे डेली आता हूँ यूनिक सिविल ऐप पर, ठीक है, जो ऐप पर रहेंगे डेफिनेटली उनके लिए। तो वहां पर जो भी कुछ तुम्हें डाउट होता है, ठीक है, पहली बात बता दूं कि आपको डाउट सबसे कम होंगे मेरे साथ, बट जो भी डाउट होंगे वहां पर तुमको वहां के पूछ सकते हो। ओके सर, ये सही और एक और फीचर तुमको बता देता हूँ, कल को अगर तुमने बीम के लेक्चर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी जो भी तुमने बीम की फीस वगैरह पे की है, कल को अगर कोई यूनिंग में बैच चलती है गुरुकुल में, तुम्हें आना ही आना है, तो जो भी तुमने वहां फी पे की हो सब माइनस हो जाएगा इसके अंदर। या शाम को हो जाएगा तो मैं चौक्स आऊंगा। एग्जैक्टली, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अभी तुम वीडियो कोर्स लेके पढ़ो। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो ओके, मोस्ट वेलकम। और किसी को क्वेश्चन है? सर, हाँ जी बताइए। सर मैं क्वांटिटी सर्वर हूँ, अरे तुम तो शक्तिमान हो सर तुम, यस सर, तुम्हारा नाम गुड इवनिंग शक्तिमान है? सर, गुड इवनिंग, गुड यस इवनिंग, सर। क्या बात है, गंगाधर आ गए हैं। चलो गंगाधर बताओ। सर मैं यहाँ पर क्वांटिटी सर्वर हूँ, मतलब हाँ वो तो गवर्नमेंट का जो ये सब आ रहा है उसको निकलता हूँ सर। तो एक समझ में नहीं आता, जो फाइल डिसमेंटलिंग का और उसका क्वांटिटी किस तरीके से निकाले, रेट कैसे निकाले उसका, ये वाला एक बार रिपीट करोगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा कम समझ पाया मैं। सर, मतलब वो जो फाइल हेड नहीं है कि सर, फाइल हेड है, हाँ सर, उसको जो चिपिंग करते हैं ना, हाँ चिपिंग करते हैं, हाँ सर, वो वही का जैसे कि अमाउंट निकलना है तो तो मेरे पास उसका एक्सेल कैसे। सीट, मेरे पास एक्सेल सीट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे शेयर मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर दो, मैं तुमको पूरा एक्सेल सीट पूरा का पूरा दे देता हूँ। इवन वही नहीं, केवल फाइलिंग ही क्यों सीखोगे, पूरा ही सीख लो, मेरे पास पूरा एक्सेल सीट रखी हाँ हुई है। BIM का तो सर ले लिया हूँ कोर्स, बस उसको ओके मेरा मतलब मेरा दोस्त देखो, से 6 होता है ना ड्यूटी, तो मैं उसको थोड़ा कर नहीं पाता हूँ, लेकिन कभी कोई कभी दिक्कत कर नहीं, लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तुम एक्सेल सीट, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने चैट बॉक्स में दे एक्सेल दिया, तुम मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर दो, मैं तुमको पूरा एक्सेल सीट दे देता हूँ, जो मैं बीम के बच्चों को देता हूँ तुमको भी दे दूंगा, ठीक है, सारा कुछ है उसके अंदर, ठीक है, चलेगा। और किसी ठीक को है। क्वेश्चन है? हेलो सर, हेलो, हाँ जी भावेश। हाँ सर, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, मैं स्ट्रक्चर में जाऊँ या BIM में जाऊँ, क्योंकि ओके BIM में मुझे ऐसा लगता है अपन सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखते हैं, और अगर स्ट्रक्चर में जाए तो अपन कोड नॉलेज ले पाते सिविल इंजीनियर ब्रांच का। ये मिथ है, ये मिथ है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो कि अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको एक हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, ठीक है, तुम्हें एक हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, ज्योग्राफी की बुक पढ़नी है, और एक तरफ मैंने ये तुमको ऑप्शन दिया, दूसरा बोला मैंने कि ऑप्शन नंबर 2 है
कि तुम्हें मैथ सॉल्व करना है, M1, M2, M3, हीरोपंती में नहीं, एक्चुअल में सोच के बताना। हीरोपंती में क्या लोग बोल देते हैं, मैथ सॉल्व करूंगा, ठीक है, या फिर हीरोपंती में लोग बोलते हैं मुझे ज्योग्राफी नॉलेज करना है। एक्चुअल में तुम खुद से पूछो कि तुम्हें थ्योरी पढ़ने में मजा आता है या फिर मैथमेटिक्स टर्म में मजा आता है, खुद से बताओ। थ्योरी पढ़ने में सर, थ्योरी पढ़ने में आता है। अब तुम अगर तुम स्ट्रक्चर्स में जाओगे, स्ट्रक्चर्स की डिफिनीशन यही होती है मैथमेटिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दूंगा कि आपको बीम में जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीम के अंदर जाते हो तो यहाँ पर मैथमेटिक्स पार्ट कम हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि कम खत्म हो जाएंगे, प्लानिंग तो मैथमेटिक्स से ही करोगे ना, एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड हो जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि तुमको बीम के अंदर जाना चाहिए दोस्त, और देख लेना लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे अच्छी चीज बताऊं कि बीम वाला बंदा स्ट्रक्चर्स में जा सकता है बड़े आराम से, और इन फ्यूचर तुम्हें लगा तो तुम बीम और स्ट्रक्चर्स दोनों में कर सकते हो। मेरे पास ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले तुम्हें बीम में जाना चाहिए, ये मेरा प्रिफरेंस है, क्योंकि तुम खुद बोल रहे हो मुझे थ्योरी पढ़ने में मजा आता है, मतलब तुमको इमेजिनेशन, फ्रिक्शंस, ये सारी चीज पसंद है, और यही तो लगता है बीम में, ठीक है भावेश? एग्री? यस ओके, चलेगा। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और कोई है? वैसे सबका डाउट होना चाहिए यार, अगर डाउट नहीं है दैट मीन या तो सब पूरा मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, या फिर आप क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ही नहीं है, दो ही चीज हो सकती है। सर, इन हाँ जी बताइए। सर इन ट्रेनिंग हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स विल बी वर्किंग सर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के टाइम पर हम कितने प्रोजेक्ट करते हैं? उससे पहले आप ये बताइए, जो आपने डीपी लगाया हुआ है इसमें, जो फोटो कहाँ से खिंचवाई है आपने? सर इट्स ए रॉन्ग इन पीयूसी सर। ओके, कोई मॉल वगैरह में ना? हाँ सर, ओके ओके, कहाँ से आप अजय? आई एम फ्रॉम बैंगलोर सर। बैंगलोर, ठीक है, ओके। आर यू कंफर्टेबल फॉर हिंदी और आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो? मोस्टली आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश ओनली सर। ओके, सो योर क्वेश्चन इज, नाउ यू कैन जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वी विल बी वर्किंग ओके, अप्रोक्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स? आई विल टारगेट फॉर 50 प्रोजेक्ट्स, ओके। इट्स अप टू यू हाउ मच स्पीड्स यू हैव, ठीक है। जनरली वी फोकस एटलीस्ट 10 to 15 प्रोजेक्ट्स इन ऑटोकैड, 10 to 15 प्रोजेक्ट्स इन रेबिट, एंड 10 to 15 प्रोजेक्ट्स इन टेक्ला। दिस इज द समरी। बट समटाइम्स वेन वी सी द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज मोर, विल प्रोवाइड सम न्यू प्रोजेक्ट्स, ओके। एंड सब बेस्ट ऑफ थिंग्स इज वॉट इन आवर ट्रेनिंग्स, आई नेवर से कि डू असाइनमेंट्स बाई योर सेल्फ, आई जस्ट गिव माई लाइव प्रोजेक्ट्स। सो फ्रॉम डे वन, नॉट इन ऑटोकैड, इन रैबिट, फ्रॉम डे वन यू विल डू, यू विल वर्क ऑन द लाइव प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आई हैव मोर देन 500 लाइव प्रोजेक्ट्स। इट्स योर कैपेबिलिटीज, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू कैन हैंडल, या यस सर, यस, थैंक ओके। यू दिस सर। इज द बेस्ट थिंग इन माई ट्रेनिंग्स, आई कैन एक्सप्लेन, लाइक आई कैन से कि सबके लिए। हाँ जी बताओ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बीरज, विराज बोलो, विराज। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि विराज, तुम्हारा विराज नाम में लिखते हो ना, विराज लिखते हो? हाँ यार, एक्चुअली मैं नॉर्थ से हूँ ना, विराज थोड़ा सा विराज। हाँ हिंदी मेरा, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा ऊपर वाले, मतलब मैं छठवीं कक्षा से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया। तो हाँ विराज बोलो। मैं पूछ रहा था कि अभी गुरुकुल बैच का टाइमिंग तो 10 बजे से आगे है, करेक्ट, लेकिन अगर मैं अभी साइड पे जॉब करता हूँ तो मुझे मतलब वो कोर्स मैं अभी उस टाइम में नहीं कर सकता, तो दूसरा कुछ ऑप्शन है क्या टाइमिंग का बैच का? यस। बैच के टाइमिंग का तो ऑप्शन अभी के लिए नहीं है, ठीक है, अगर रहेगा तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट कर दूंगा। अभी के लिए मैं तुमको वीडियो कोर्स दे सकता हूँ, सेम कंटेंट आपको वीडियो कोर्स में मिल जाएगा, बस इसमें आपको कंसिस्टेंसी खुद से बनानी पड़ेगी। ऐप पर जाओ, BIM का पूरा कोर्स है, उसमें 12-13 लेक्चर फ्री हैं, पहले उनको वॉच करो, तुम्हें समझ में आते हैं तो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। और अगर यूनिंग में कुछ और पॉसिबल रहा तो मैं बता दूंगा। हाँ बताओ। मतलब अभी जो गुरुकुल बैच में आप लाइव क्लास लेते हो, उसकी मतलब क्वालिटी या फिर उसका जो डेप्थ रहेगा वो उस टाइम वो एक कोर्स में मुझे मिलेगा क्या? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, नहीं रहेगा। उसका रीजन क्या है, गुरुकुल का एक अलग लेवल हो जाता है। यहाँ पर ना डेली तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करते हो 1.5 1.5 घंटे, अभी हम लोग 45 मिनट में कितना कुछ सीख रहे हैं ना, 1.5 घंटे डेली, ठीक है। तो इसका कंपेयर मत करो वीडियो कोर्स से, बट ये जरूर बोल सकता हूँ कि तुम सारा भीम सीख लोगे वहां पर, ठीक है। और एक और चीज हो सकता है कि डेफिनेटली 1 महीने के बाद वो भीम की जो लाइक पूरा जो कोर्स है जो हम लोग मॉर्निंग में करने वाले हैं, वो इवनिंग में शिफ्ट करने वाले हैं उसका टाइमिंग। तो जब इवनिंग में उसका टाइम शिफ्ट करेंगे एट दैट टाइम यू कैन कंटिन्यू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो आपका जो भी फी रहेगा वो माइनस कर दिया जाएगा। फी के लिए आप कभी मत सोचना, मैं जो बच्चे बहुत ज्यादा पैसे से प्रॉब्लम में रहते हैं मैं उनको बोलता हूँ तुम जॉब लेके मुझे पैसे दे देना, बस ये बोल दो कि हाँ मैं सर देना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ,
ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ प्रोसीजर रखे हुए हैं मैंने, ऐसे नहीं कि कोई भी आके बोलेगा सर मेरे को पढ़ना है, बाद में पैसे दूंगा, भाग जाए, ठीक है, मेरे पास भी रूल्स है। लेकिन क्या बोलते हैं, अभी के लिए विराज मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप वीडियो कोर्स लेके पढ़ो, सारा कुछ वही कंटेंट है जो लाइव में पढ़ाता हूँ, बस यहाँ बेनिफिट क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू सॉरी बीम के इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, और उसके साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं डेली तुम्हारा असाइनमेंट चेक करता हूँ, ये अलग है इसमें, ठीक है, और उसको कंटिन्यू करो, बाद में अगर इवनिंग में बैच होती है शिफ्ट कर लेना, ठीक है, मेरा भी इवनिंग मन में है। इसका मतलब अभी कुछ प्लानिंग है क्या एक इवनिंग में में बैच एक अभी? यही बैच 1 महीने बाद इवनिंग में शिफ्ट कर देंगे, ये प्लानिंग है, ओके ठीक है, चलेगा। और किसी का कोई प्रश्न है? सर, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, हाँ हाँ बोलो ना, अभी कर रहा मतलब पास हो गया हूँ सर, इसके लिए कौन सा करना चाहिए, बीम करें सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा तो के बीटेक लिए तो कर लेना। कंपलसरी है कि आपको बीम ही करना चाहिए डिप्लोमा के लिए। स्ट्रक्चर्स में अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, गलत सजेस्ट कर रहा है। रीजन ये है कि देखो क्या होता है कि अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, कल एक लड़का मेरे पास आया, वो मेरे को बोलता है सर मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस बीम ब्रिज में है, तो मुझे क्या गुरुकुल में आना चाहिए क्या? मैंने बोला नहीं। रीजन क्या है, उसका 7 साल का एक्सपीरियंस मेरे चंद वर्ड से पूरे खराब हो जाएंगे करियर, तो मैंने उसको राइट गाइडेंस दिया। और विराज कुछ बोलना चाह रहे हो? सर ओके ओके, तुम्हारा माइक ऑन है, बंद कर दो। ओके अभी अब तुम्हारा आंसर करते हैं। तुम्हें कोई भी डिप्लोमा स्टूडेंट है उसको बीम में ही करियर बनाना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा वालों को स्टैट प्रोप या बीटेक पर वर्क नहीं दिया जाता है, ये हमेशा का ट्रूथ है। किसी भी कंपनी में चेक कर लो, स्ट्रक्चर्स के वर्क में या तो बी होगा या बीटेक होगा या फिर एमई एमटेक होगा, और डिप्लोमा वाले बीम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उनको बीम ही करना चाहिए। अभी यस सर, मेरे कुछ दोस्त हैं बीम बीम में कर रहे हैं डिटेलर का जॉब, तो करेक्ट, मैंने सोचा इसमें कौन सी कंपनी में कर रहे हैं? J&F नोएडा में है। J&F ना, यस सर, पता है जर्मनी। पता है पता है मुझे, मैं भी नोएडा में आ रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है, आई एम प्लानिंग फॉर यस सर, नोएडा, कमिंग नोएडा ऑल्सो। चलो और किसी बिल्कुल कोई प्रश्न है? किसी और को कोई प्रश्न है कि फिर अलविदा लाल कोठी बोला जाए? भाई किसी को बचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरे पास आए सबका क्वेश्चन सॉल्व। हाँ प्रदेशी बोलो। सर, मैं ये क्या बोल रहा था कि सर, ये जो नेविसवर को टेकला है, क्या वो सपोर्ट करेगा? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेगा। सर, वो जो आपने HP पवेलियन 2004 EC वाला भेजा था। मेरा वही लैपटॉप है। अच्छा सर, एक TI 3050 Ti का है रैम कितना है वो। उसमें? सर, यही 4 GB। रैम 4 GB थोड़ी होगा, यस सर, रैम है 4 GB। तब मत लेना वो। हाँ रैम नहीं सर, 8 GB है, रैम एट एट जी जीबी है। रैम 8 GB, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जी, सर, SSD है फाइव ठीक। वन SSD फोर है तो फिर ले लो। SSD से क्या फायदा होता है, आपका स्पीड स्लो से फास्ट हो जाता है, लैपटॉप जल्दी खुलता है, ठीक है, ये SSD का बेनिफिट होता है। और रैम से क्या होता है कि जो रेंडर वगैरह पर लगाते हो तो कैपेसिटी होती है, झेल पाता है वो, और ग्राफिक्स कार्ड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। यस सर। सर एक्चुअली इनका प्राइस में बहुत डिफरेंस था। ये जो 2004 है, ये शायद 56 समथिंग ऐसे में है, और करेक्ट, सर वो 2048 3050 Ti वाला जो है वो है 71 का। ओके। वो प्रोसेसर कौन सा है, दोनों में देख लो, राइजन प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है हाँ सर, राइजन ही है। तब ले लो, ठीक है, राइजन वाला ले लो, यस, 50 वाला ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्योंकि सर वो थोड़ा दिक्कत ये था कि ये वाला, क्योंकि मैं एक्चुअली स्मार्ट फिक्स पे थोड़ा वो किया था, टैली हाँ कराया, कंपेयर किया था, तो फिर ये दोनों का एवरेज सेम ही जा रहा है, बस ओके। वो है थोड़ा ठीक स्मार्ट इसी पिक्स में। क्या है, हाँ सर, क्या तुमने क्या बोला, किस पे कंपेयर करते हैं, मुझे भी सिखा दो ना। हाँ सर, वो स्मार्ट ब्रिक्स पे कंपेयर करते हैं। स्मार्ट ब्रिक्स, ओके यस सर, वो अपनी रेटिंग बता देता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर जो मतलब जो सारी चीजें हैं, जितने भी स्पेक्स हैं, वो सारा चीज बता देगा। थैंक यू, नया चीज मुझे बताया, ठीक यस सर, है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई नया कुछ बताता है, मैं तुरंत ग्रास्प करता हूँ, क्योंकि जानना चाहिए ना, और ये यस सर, कैपेसिटी। कि हाँ सर वही पैसे का मेजर हो जा रहा था, क्योंकि 54 ये 71 वो, मींस नहीं नहीं ग्राफिक कार्ड के वजह से ही जो था। नहीं नहीं इसमें 1650 है सर ग्राफिक कार्ड ना। तुम फ्यूचर में 1.5 लाख, कल मेरा एक स्टूडेंट था, वो क्या बोलते हैं अभी वहां पे जर्मनी में है, तो क्या जर्मनी नहीं, वहां कनाडा में है वो, उसने 1.5 लाख का लैपटॉप लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने अपना जो उसका लैपटॉप था बहुत ही सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो था, उसने बीम किसी तरीके से सीखा, अभी वो अच्छा पैसे कमा रहा होगा कनाडा में,
और वो अच्छा पैसा कमा रहा है, इसकी वजह से उसने 1.5 लाख का लैपटॉप लिया। मैंने कहा देखो ये ऐसा करना चाहिए, अभी अपना काम चलाना है, पापा के पैसे से कितना हम करेंगे, और उसके बाद जब अपना पैसा हो तो करो। ठीक है, जी सर, मेरा भी बगल में लैपटॉप रखा हुआ है, 1,35,000 रुपये का लैपटॉप है। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि 1,35,000 का लैपटॉप लैपटॉप मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के मेहनत के पैसे से है और ये कैसा जी करना जी सर, चाहिए। ठीक है, चलो और किसी कोई जी सर, क्वेश्चन, कोई और किसी का प्रश्न है? हेलो हाँ भाभी बोलो। सर, मेरे पास जो लैपटॉप है वो उसका ग्राफिक्स कार्ड 2 GB का है, तो इसमें रेंडरिंग होगा कैसा? हो जाएगा ग्राफिक्स का 2 GB का रेंडिंग हो जाएगा, थोड़ा टाइम समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैं किसी सबको बोलता हूँ कि पैसे मत डालो नए लैपटॉप में, पुराने लैपटॉप से काम चलाओ, जॉब ले लो, अपने पैसे से जितना महंगा लेना हो लो। ठीक है, तो अभी जो है उसी से काम चलाओ। और किसी कोई क्वेश्चन है तो भाई बताओ, नहीं तो चला जाए, हम लोग भी रोटी वोटी खाया जाए। अभी हमने भी डिनर नहीं किया, मतलब अभी पता नहीं बन रहा है कि नहीं, देखना पड़ेगा। चलो कोई और किसी क्वेश्चन है? नहीं है, चलो हैप्पी। कोई क्वेश्चन? समीर, राकेश, बाद में ये मत बोलना श्रेया द्विवेदी। द्विवेदी जी आपने कुछ पूछा नहीं, कोई डाउट नहीं है, आपने सब समझ में आ गया। सुनील, ओके, विराज ने तो पूछ लिया। ठीक है, और नीलेश तुम बड़ा क्वेश्चन तो पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे, यहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछो। नीलेश चौधरी, सोहेल, जिसको भी कोई क्वेश्चन है पूछ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे कि आप बाद में ये ना बोलो सर मैं नहीं पूछ पाया। थैंक यू सर, हेलो सर, थैंक हाँ अभिजीत बोलो। यू सर। सर ओके मेरे ओके को एक सोहेल, डाउट मोस्ट था वेलकम। हाँ बोलो अभिजीत बोलो। सर, मेरे को एक डाउट है। मैंने स्ट्रक्चर का कोर्स तो ले लिया है, करेक्ट, बट मैं मेरा खुद का काम भी चालू कर रहा हूँ टेलरिंग का, वेरी तो गुड। मेरे को ये सही रहेगा कि मतलब कि बीम भी ले लूँ मैं, अगर कोर्स ले लूँ बीम का, बट टाइम पे मैं प्रोजेक्ट आपको दे नहीं पाऊँ, मतलब प्रॉपर हो नहीं पाए मुझसे, तो मुझे लेना चाहिए क्या फिर बीम? हम बाहर कर देते हैं। अगर हमारे हाँ सर वही। अगर हमारे 80%, कल ही मैंने 3 लोगों को गूगल के से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, टू बी फ्रैंक, नीड नहीं है। क्या होता है इसमें, प्रोजेक्ट करना कंपलसरी है, और मिनिमम हम कितना मैनेज करते हैं, 80%। 10 काम दिया, ठीक आठ है। दिखा दिए, दो नहीं दिखाए चलेगा। सैटरडे संडे जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनका मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करके आया हूँ, तो उनको मैं बोलता यस हूँ कि सर। सैटरडे संडे को करके दो, लेकिन मंडे को मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग तुमको गुरुकुल में नहीं आना चाहिए ब्रदर, क्योंकि कैसे होगा, वहां पर इन्वायरमेंट एक बना रहता है ना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट पूरा रहता है, सब नया नया यस सर। बनाते हैं। अगर तुम नहीं बनाओगे, दूसरा देखेगा अरे ये अभिजीत नहीं बनाता, मैं काहे को बनाऊं, समझ रहे हो? तो यस इन्वायरमेंट में सर, खराब नहीं करना चाहता हूँ, तो आई सजेस्ट कि यस सर, अगर कर सकते हो तभी आओ, नहीं तो मत करो। यस सर। तो इसलिए सर मैंने स्ट्रक्चर को तो ले लिया है, क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी है। करेक्ट, हाँ देखो अगर तुम खुद का बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें स्ट्रक्चर्स भी आना चाहिए, आरसीसी और बीम भी आना चाहिए, पीवी भी आना चाहिए, खुद का देखो टेंडरिंग भी। अभी मैं एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ टेंडरिंग के ऊपर, कैसे बेस्ट टेंडर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कहा कि ऐसे में टेंडरिंग का प्रोजेक्ट नहीं, कोर्स नहीं बनाऊंगा। तो हमने क्या किया, हम टेंडरिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है 2-3 जगहों पे, पीडब्ल्यूडी का भी किया है, सीपीडब्ल्यूडी का भी किया है, 2-3 और है। तो हम पहले प्रोजेक्ट करेंगे, और उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा मेरे साथ अगर पॉजिटिव रहा तो हम कोर्स डिजाइन करेंगे उसके ऊपर, वो आप लोग को भी हेल्प ओके करेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछो? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो हेलो। यस विराज बताइए। हाँ सर, मैं एक पूछना चाहता था कि हाँ नॉर्मल जो 3D डिजाइन रहता है, मतलब जिसमें करेक्ट हम फोर प्लान से 3D व्यू डिजाइन करते हैं, करेक्ट वो बीम से डिफरेंट, बीम से बीम में और उसमें डिफरेंस क्या है मतलब? करेक्ट है। जो नॉर्मल जो 3D होता है, ठीक है, वो बीम का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई आसान भाषा में एग्जांपल दिखाऊं, तो ये देख रहे हो, ये मोबाइल दिख रहा है तुमको, हाँ यही 3D है। बट क्या यही ये मोबाइल का एक्चुअली रूप 3D है? इसके पीछे कितने ढेर सारे मैकेनिज्म होंगे, तुम सोचो। एक कवर है, कवर के पीछे एक स्टील है, इसके अंदर उस स्टील, मेरा ये मोबाइल स्टील का है, मतलब स्टील इसका सैमसंग का है, तो मतलब ये है। तो अब इसके नीचे क्या है, कवर है, कवर के नीचे क्या होगा, मदरबोर्ड होगा, मदरबोर्ड के नीचे क्या होंगी, चिप्स होंगी, चिप्स के नीचे क्या होगा, कैमरे के सेंसर्स होंगे, कैमरे के सेंसर के बाद क्या होगा, फिंगरप्रिंट का सेंसर होगा, उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम का ऑन ऑफ का बटन होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका डिस्प्ले होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर ढेर सारे एल्गोरिथम्स होंगे, समझ रहे हो? ये पूरा सब कुछ मिला के बीम होता है,
और केवल इसको सामने से देखना, दैट इज कॉल्ड 3D। मगर बीम में फिर टेक्निकल पार्ट क्या रहता है, मतलब हमें डिसीजन कहाँ पे लेने पड़ते हैं? बीम में टेक्निकल पार्ट क्या रहता है? हाँ राइट ठीक है। आपने स्मार्ट बिल्डिंग का नाम सुना है क्या? हाँ क्या होता है? स्मार्ट बिल्डिंग मतलब अभी जो नए टाइम में आ रहे हैं इको फ्रेंडली, या फिर लाइट सेविंग वगैरह, वो सेंसर वगैरह थे उसमें ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाते हैं। करेक्ट ठीक है। वो बड़ा डिफिकल्ट होता है वो, जितना वो हम बोल रहे हैं हम लोग अपने आसान भाषा में, ये इतना ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक ही एल्गोरिथम है पूरा का पूरा। एक ही ऑफिस में जब कॉमन एसी होता है, तुमको पता ही होगा, देखा होगा, कॉमन डक्टिंग जाती है। ठीक है, अब उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कहां पर ब्रेक लगाऊं, कि मॉर्निंग के कैसे होता है कि मान लो तुम्हारा जॉब का शिफ्ट है मॉर्निंग 10 to इवनिंग 5, तो जहां तुम बैठ रहे हो वो सेक्शन मॉर्निंग 10 to 10:05 तक ही केवल एसी वहां पर ऑन हो, उसके बाद ऑफ हो जाए, और जो तुम्हारे आगे वाला जो सेक्शन है वो सेकेंड शिफ्ट है उसकी 5 बजे से रात को 11 बजे तक, तो अगर उनकी वो शिफ्ट है तो उनको कब कूलिंग मिल जाए। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है, ये आसान भाषा में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसको बहुत डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कहीं से वेंटिलेशन का, तो ऐसा क्या कर दूं कि हमारे बिल्डिंग के अंदर फुल वेंटिलेशन रहे। तो उसके लिए बहुत ढेर सारे अलग अलग मेथड हैं, उसे आप पता कर सकते हो। डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना पावर कंज्यूम करेगी मेरी पूरी सोसाइटी, ठीक है, और उसको किस तरीके से एल्गोरिथम करूं कि हमारा अपीयरेंस भी खराब ना हो, और इतने सोलर पैनल क्रिएट कर दूं जिससे कि हमारी सोसाइटी का कंज्यूमर्स को सफिशियंट वो मिल जाए। डिसाइड करना पड़ता है कि बालकनी के लिए स्पेस कम देना है, लेकिन ऐसा दिखे कि प्रॉपर बढ़िया सा सबको विजुअल दिखे, सबको अलग। अभी तुम जाओगे सेल प्रोजेक्ट खरीदने के लिए, देखोगे बालकनी से आपको व्यू चाहिए, हर किसी को व्यू देना है, डिसाइड ये करना है कि कैसे दें, ये बहुत बड़ा वो होता है। ठीक है, मिस्ट्री होती है पूरी तरीके से, ये आसान नहीं है कि बस ऐसे कर दिया हमने। उसके बाद क्या होता है, हर किसी को सनलाइट का सफिशियंट इन्वायरमेंट देना है कि सनलाइट सबके रूम में पहुंचे। ठीक है, इसका लिए डिसीजन लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कैसे प्लान करूं कि इसको कर सकते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में इतने बड़े बड़े रेनफोर्समेंट्स होते हैं, इतने ज्यादा हैवी रेनफोर्समेंट होते हैं, डिसाइड करना पड़ता है कैसे कहां पर रेनफोर्समेंट डालूं, जिससे कि अगर किसी एक घर के, मतलब कि अगर तुम्हारे पूरे फ्लैट में मान लो कि एक अपार्टमेंट ऐसा हो गया जिसमें एक बीच से बीम चली गई लिविंग रूम में, अगर वो लिविंग रूम का प्राइस 50 लाख रुपए है, तो मुश्किल से उसका 30 से 40 लाख रुपए मिलेगा, 10 लाख रुपए पर फ्लैट लॉस, मतलब अगर पूरा 50 यूनिट बनाए हो तो लगभग तुम 50 लाख रुपए का लॉस करके बैठोगे। ये डिसीजन होता है। और बताऊं ये काफी है? ओके सर ठीक है, बहुत हेलो कुछ है। हाँ बोलो। हेलो हाँ जी हाँ जी, सुनील बताइए। सुनील, अच्छा सुनील तुमने सर, मैसेज किया है बहुत मुझे। हाँ 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 बोलो ना। सर, आज मॉर्निंग में बात हुई थी सर हाँ आपसे। अच्छा हाँ, कॉल पे भी बात होती थी हमारी। हाँ करेक्ट है, बोलो हाँ ना। सर, अगर जैसे अपन इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहिए, मान लो बीम का पूरा नहीं, जैसे मान लो रेविट लेना चाहिए करेक्ट और या टेकला लेना चाहूँ, तो वो इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे क्या? हाँ, मैं लाइव नहीं सिखाता हूँ क्योंकि लाइव हमारे पास नहीं, बहुत इसमें लाइव में हो जाएगा, जैसे मालूम मैंने ऑटोकैड ले रखा है आपका पहले, नहीं तो लाइव में नहीं अभी होगा, जैसे लाइव में नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। रीजन क्या है ब्रदर, यहाँ पर 50 से अगर मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, और अगर सॉरी 20 लोगों से अगर मैंने प्रॉमिस किया है और मैंने 21 को अगर ऐड कर दिया, तो मेरा प्रॉमिस तो फेक हो गया ना, मानो इस चीज को। अच्छा, मतलब वो BIM का पूरा ही लेना पड़ेगा अभी अपना? 20 तो 20, अच्छा, वो ठीक है। पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। उसके बाद कोई अगर 1 लाख भी ऑफर करेगा कि 1 लाख रुपए सर मैं आपको फीस देना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, ये मतलब मैं अपने रूल्स से कभी भी गेम नहीं खेलता हूँ, क्योंकि मेरी रूल्स ही मेरा सब कुछ है। हाँ जी बोलो। हेलो हाँ हेलो। हाँ मंजू बोलो। हाँ सर, मैं अभी एम्बिशन बॉक्स पे थोड़ा वो सैलरी का चेक कर रहा था, मतलब ओके। ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बीम करेक्ट। का। हाँ, तो अगर समझो एक कंपनी, आपने पिछले एक स्ट्रक्चर्स के लेक्चर में कैसे बताया था कि कंपनी का एक फिक्स परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है, करेक्ट। राइट? तो अगर मुझे आगे जाके करियर करना है इसमें, और अगर मुझे 6 फिगर सैलरी चाहिए, तो एक कंपनी को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, मतलब मुझे क्या क्या आना चाहिए उसके लिए? ठीक है, 6 फिगर मतलब अप्रॉक्स 2 लाख 3 लाख वैसे समथिंग। हाँ ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है कि अगर तुम मुझसे, अगर मान लो तुम मुझसे बोलो कि सर मुझे 1 लाख रुपए आप दीजिए अपनी कंपनी में ऑफर, ठीक है, यस तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि एटलीस्ट तुम इतने कैपेबल रहो कि तुम मुझे मिनिमम महीने का 1 करोड़ रुपए का अर्निंग दो। ओके ठीक है, अब तुम सोचो कि मैं 1 करोड़ का अर्निंग कैसे दूंगा,
तो 1 करोड़ की अर्निंग तुम अकेले नहीं दे सकते हो, तो तुम्हें टीम लगानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो टीम लगाने के, क्योंकि देखो अकेले तुम 1 करोड़ की अर्निंग दे ही नहीं सकते हो, ना मैं दे सकता हूँ, अगर मैं दे सकता हूँ मैं इंडिविजुअल ना काम कर लूँ, राइट 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 है। तो 1 करोड़ कमाने के लिए मुझे टीम चाहिए होगी। तो ऐसे ही जब आप बीम मैनेजर बनते हो तो आपके अंदर में 25 से 30 लड़के दिए जाते हैं, जो कि कोई मॉड्यूलर होगा, कोई कोऑर्डिनेटर होगा, कोई डिटेलर होगा, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि हमको उनसे कितना काम करा लूं कि ओवरऑल कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, ओके ठीक है। और तुम अगर अब काम कैसे कराओगे, ये काम यहाँ पर केवल टेक्निकल काम नहीं होता है, यहाँ पर सारे काम तुम्हें सीखने पड़ेंगे, ठीक है। एक लड़का मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, चलो इंटरेस्टिंग बात हो रही है, कुछ लोग को जा रहे हैं तो भाई इतना इतना बुरा नहीं बोल रहा हूँ, नॉलेज की बात है, सुन लो, ठीक है। तो एक लड़के ने मेरे से पूछा, मतलब दोस्त है मेरा, तो बोला कि यार तुझे पता है मतलब स्ट्रक्चर्स में ही काम करता है, बोलता है यार अपना इंडस्ट्री इतना बकवास है, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, 27,000 रुपये पाता हूँ, उसकी सैलरी 27,000 है, ठीक है, मेरा जूनियर भी है और दोस्त भी है। तो फिर मैंने बोला कि 27,000 रुपये पाते हो, तो उसने बोला हाँ यार 27,000 रुपये देते हैं मुझे। मैंने बोला कितने साल से काम कर रहे हो, बोला यार 5 साल हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने बोला तुम्हारा क्या बोलते हैं डेफिनेटली कोई मैनेजर होगा, तो उसने बोला हाँ यार मेरा मैनेजर भी है। मैंने बोला उसकी सैलरी क्या है, अरे कुछ नहीं यार बहुत मस्ती करता है दिन भर और उसकी सैलरी 70,000 रुपये है, उसे खुद से बोल दिया 70,000 रुपये उसकी सैलरी है। मैंने बोला तुम्हारा सीनियर मैनेजर भी होगा, अरे पूछो मत भाई 1.5-1.5 लाख रुपये लेते हैं, खुद से बोल रहा है। तो फिर उसने, मैंने बोला कि आंसर तुमको मिला कि नहीं, तो उसने बोला नहीं। मैं कहा तू क्यों नहीं है सीनियर मैनेजर, तू क्यों नहीं है मैनेजर, गॉट इट, तू कंपनी को ब्लेम कर रहा है कि मेरी कंपनी पैसा नहीं दे रही है, लेकिन तू ये उसी समय ये बोल रहा है कि मेरे कंपनी का सीनियर मैनेजर 1.5 लाख रुपये ले रहा है। तू डायरेक्टर क्यों नहीं बन रहा है, डायरेक्टर 6 लाख रुपये साल का महीने का ले रहा है, क्यों नहीं बन रहे तुम, गॉट इट, होप समझ गए होगे कि हमको ऊपर जाना पड़ेगा, स्किल्स लेवल अप करने पड़ेंगे, स्किल्स लेवल अप करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें शादी को, मेरे अपने इंडिया में एक प्रॉब्लम पता है क्या है, एक्चुअली इंडिया में क्या मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी और मैं इस चीज़ को बाद में समझ पाया कुछ बुक्स वगैरह के हेल्प से, कि हम लोग क्या करते हैं जॉब पाने के बाद एकदम एकदम कॉन्स्टेंट हो गए थे। अभी तुम्हें शायद इस चीज़ पता नहीं, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, यस यस मैंने 2 ईयर्स किया था, 2 ईयर्स किया था, तो तुमने 2 ईयर्स में देखा होगा साइट पर जाते होगे, स्टार्टिंग के 3-4 महीने तुमको इंटरेस्टिंग लगा होगा, नई नई चीज़ें सीखने में, उसके बाद नॉर्मल लाइफ हो गया होगा, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और ये जो कंफर्ट जोन है हमें किल कर देता है, वायरस है, ठीक है। और पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि फिर हम ऊपर की तरफ देखते ही नहीं है। मेरा एक कलीग था, उसने मुझे इतना बेवकूफी वाला रूल सिखा दिया, वो दिन भर आराम करता, मुझे बोलता पांडे तुझे पता है मैं इतनी सैलरी लेता हूँ उतना ही काम करता हूँ, वो खुद से बोलता है। तो मैंने बोला यार इसका सही है, मैं दिन भर, मेरे का क्या, मेरी क्या आदत है, अभी तुम लोग के साथ ही पूरी एनर्जी से बात कर रहा हूँ जबकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, किसी को पता नहीं चल पाएगा। मैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता था कंपनी में, और उसने मेरी हैबिट ऐसी ख़राब कर दी कि मेरे को भी लगने लगा यार सारा मैं मेहनत करता हूँ, उस समय मेरी सैलरी 40,000 थी, 40,000 मैं भी पाता हूँ, 40 ये गधा भी पाता हूँ जो दिन भर बैठा रहता है टाइम पास करते हुए, तो मैं भी क्यों काम करूँ, ये मेरे दिमाग में आया। एक्चुअली ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट सीखता रहता तो शायद मैं उससे ज़्यादा दूसरे कंपनी में जाता तो परफॉर्म कर पाता और अच्छी सैलरी पाता, राइट है कि नहीं, राइट है, ठीक है। तो देखो ये कभी भी कंपनी को ब्लेम मत करो कि पैसा नहीं मिल रहा है, अगर कंपनी के एक एम्प्लॉय को सैलरी 3 लाख रुपए महीने की मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही है, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, खत्म, यस, ठीक है, ये मेरा अपना मानना है। सर इसमें और ये मास्टर्स वगैरह होता है, जैसे स्ट्रक्चर्स में होता है मास्टर्स, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं ना, ये स्किल्स का पूरा होता है, होता है मास्टर्स, होता है मास्टर्स इसमें भी होता है, ठीक है, पीएचडी भी होती है इसमें, ठीक है, ये तो, लेकिन क्या होता है इसमें स्किल्स ज्यादा मैटर करता है, ओके, जितना स्किल्स आपके पास है, ठीक है, उसमें मैनेजिंग स्किल भी आता है, ठीक है, सस्टेन करने की चीजें, चेक 7D वगैरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो जितना स्किल्स आता है उतना तुम ग्रो कर सकते हो उसमें। सर इसमें फ्रीलांसिंग वर्क भी होता है ना बहुत, कि सबसे ज्यादा, हाँ क्योंकि मतलब 3D बना के देना होगा ऐसा। अब तुमको बताऊं कि अगर मैं किसी, अभी मैं बात करूं कि मुझे यूएस का प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है, मान लो अभी मेरे को यूएस से, तुम यूएस का प्रोजेक्ट लेना है, मुझे वही क्वेश्चन था कि मतलब अपन बाहर के फॉरेन प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, अब तुम सुनो, अब मेरे आंसर सुनोगे तो खुद ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मुझे, मेरे को स्ट्रक्चर्स का वर्क नहीं आता, क्योंकि मान लो अगर स्ट्रक्चर का वर्क आता है मुझे, तो मुझे अगर मुझे अमेरिका का लाइक प्रोजेक्ट करना है तो मुझे अमेरिकन कोड पढ़ना पड़ेगा, कोड पढ़, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट वाज माय डाउट, कि वो कोड मुझे पढ़ना पड़ेगा। और बीम में ऐसा क्या है,
हाँ बीम में तो सीधा प्लान देख के क्रिएटिविटी लगाना है। क्रिएटिविटी लगानी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर ये नहीं है कि तुम कनाडा का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कि यूएस का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कि दुबई का कर रहे हो। तुम आराम से घर पे बैठ के फाइबर डॉट कॉम पे, फ्रीलांसिंग डॉट कॉम पे टाइम लगता है, इतना नहीं है कि बस आज बोला हो गया, ठीक है, ऐसे तो कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट तुम बीआईएम के अंदर कर सकते हो, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन है ओमकार जाधव का, इसके बाद कोई और जिसका रहेगा पूछ लेना, सोचते रहो अपने मन में क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके मोस्ट वेलकम। ठीक है, इनको क्वेश्चन है कि सर इन बीआईएम फ्यूचर बीआईएम स्ट्रक्चर्स में जाना होगा तो बेसिक से चालू करना पड़ेगा या बीम के पीछे क्या जॉब एक्सपीरियंस सफिशियंट होता है, और जंप कितना सैलरी पर इफेक्ट पड़ेगा। देखो सैलरी पर इफेक्ट उसको पड़ता है जो अपने काम को कैलकुलेट नहीं करा पाता है। ओमकार क्वेश्चन अच्छा है, इनका क्वेश्चन है कि आज मैं बीम पे काम कर रहा हूँ, कल मुझे स्ट्रक्चर्स में जाना पड़ा, तो मुझे क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, यहां पर तुम रवि स्ट्रक्चर यूज करोगे, टेक्ला स्ट्रक्चर यूज करोगे। उसका काम क्या होता है बताओ? उसका काम होता है स्ट्रक्चर की डिटेलिंग करना, और डिटेलिंग किस स्ट्रक्चर की जाती है? जो किसी ने डिजाइन किया हुआ है उसी की डिटेलिंग्स की जाती है। किसका काम है ये? स्ट्रक्चर्स का काम है, सीधी सीधी बात है। तो जब तुम्हें डिटेलिंग करना आता है, तुम्हें ड्राइंग, इसमें ऑटो चेकर भी होता है, टेक्ला चेकर होता है, प्रोफाइल होती है, तुम्हें चेक करना आता है, तो क्या तुम्हें स्टेट प्रोसेस के एनालिसिस करना नहीं आएगा? ठीक है, डेफिनेटली आएगा। अब तुम्हें इसको बताने का एक तरीका है कि तुम एचआर के सामने ये प्रस्तुत कर दो कि नहीं, मैं तो बीम में काम किया हूं, मैं स्ट्रक्चर में फ्रेशर हूं। दूसरा तरीका है कि मैंने बीम में पूरी स्ट्रक्चर डिटेलिंग्स की हुई है, अब मैं स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का भी मुझे अच्छा नॉलेज हो गया है, अब मैं स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में भी आना चाहता हूं। तरीका है, आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो अपने आप को? ठीक है, एक लड़का था मेरे पास आया इंटरव्यू के लिए, मैं कंपनी में था, तो इंटरव्यू के लिए आया, तो मैंने उससे पूछा कि व्हाई वांट टू कम इन बीम, मैं बीम इंजीनियर था वहां पे, व्हाई वांट टू कम इन बीम। तो बोलता है सर साइट पर इतना हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, मतलब इतना वर्कलोड है कि मैं काम भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए बीम में आया। तो फिर मैंने, मतलब मैं थोड़े बहुत मस्ती भी कर लेता हूँ, तो मैंने बोला तू गधा है, तूने खुद से अपना रिजेक्शन दे दिया। मैंने उसको ऐसे बोला, तू गधा है, तूने खुद से अपना रिजेक्शन दे दिया। तो उसने बोला क्यों सर? मैंने बोला कि ये बोल कि अगर मैं कल को तुमको अपने बीम के वर्क में ही हैट्रिक काम दे दूंगा तो तुम ये भी छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि साइट का काम हैट्रिक था। तो कभी हमको ये नहीं बोलना है कि ये चीज खराब था, ये मैं नहीं कर पाया इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसके जगह अगर उसने एक प्यारा सा आंसर दिया होता कि सर मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ सीखा हुआ है, अब मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली मेरा काफी कुछ हो चुका है, चल के देखते हैं उसको सॉफ्टवेयर पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे करते हैं, तो ये उसका ये जो इंटरेस्ट था, वे ऑफ टॉकिंग था ना, कि चेंज हो जाता और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता। मंजुनाथ एग्री? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? सर ये था कि हाँ मैं अपने दोस्त से जब बात कर रहा था ना, तो वो मुझे आईटी और सिविल का कंपैरिजन चालू था, ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है। तो मैंने उसको सिंपल सा बोला कि आईटी में कैसा होता है कि उनका प्रोजेक्ट ही करोड़ों का होता है। जैसे आपने बताया ना कि आप अगर कंपनी को 1 करोड़ का बेनिफिट ला के दोगे तो कंपनी विल गिव यू दिस थिंग। तो वैसे टीसीएस भी, टीसीएस एक बहुत बड़ा कंपनी है, करेक्ट, उसमें प्रोजेक्ट ही करोड़ों का, इसके लिए एम्प्लॉयज को 3.5 लाख का पैकेज मिलता है। बट अगर बिल्डिंग में हम ऐसे करेंगे तो बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे वर्कर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, तो इसके लिए आपके पैकेज कम है। तो अगर अभी मुझे, अभी आपने जब बोला ना, क्लैरिटी मिल गया थोड़ा कि बीम में एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और हमारे स्किल्स को अपग्रेड किया तो एक लेवल अचीव कर सकते हैं। चलो पैसे की बात आ गई तो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये डेफिनेटली ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, लेकिन मैं तुमको आसान भाषा में बोलता हूँ कि तुम किसी भी आईटी के लड़के से कंपेयर करवा दो मेरे पैकेज को, ठीक है, बहुत दूर हो जाएगा वो मेरे से, मतलब सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ, बहुत दूर हो जाएगा मेरे से। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरे नीचे 10 लड़के हैं, 10 लड़कों की पावर है मेरे पीछे, मुझे कौन हिला सकता है? 10 लड़के कंटिन्यू मेरे लिए काम कर रहे हैं, बीम पे काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हैं, मैं भी तक बीम इंजीनियर हूं ना। मैंने तरीका समझाना कि तरीका क्या होता है। जॉब सफिशियंट था, 70,000 की जॉब की सैलरी थी, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करता था जैसे तुमको मैंने बताया, ठीक है, लगभग लगभग 40,000 45,000 रुपये यहां से कमा लेता था, लगभग 1,10,000 1,20,000 की अर्निंग कर रहा था। लेकिन मैंने कहा शायद और ऊपर चलना है ना, ठीक है, तो फिर मैंने लड़के हायर किए और फिर धीरे धीरे काम को अपने बड़ा करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर तरीका थोड़ा सा चेंज होता है मंजुनाथ। और ये तुम सोचो कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमको अगर शायद नहीं पता होगा जीके के बारे में, इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, 3 ट्रिलियन है, सबको पता होगा, उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको पता है किसका है? सबसे ज्यादा कौन परसेंटेज डिवाइड करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर 10%, सब कुछ एक तरफ,
रियल इस्टेट केवल अकेले 10% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में। आप सोचो कितने डोमेन्स हैं दुनिया में, डॉक्टरी है, अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दे आर डिफरेंट डिफरेंट, एक्सप्लेन करो, बहुत बड़ा है, सब एक तरफ है और ये अकेले 10% कवर कर रहा है। तो कौन बोल सकता है क्या इसमें पैसे नहीं है? पैसा है, तरीका अलग है, ठीक है। आपको अगर जियोग्राफिक अच्छा नॉलेज है, ठीक है, आज मैंने एक जगह पे प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, लगभग मैंने 5 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया उसको, ठीक है, मुझे जियोग्राफिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत जीके का भी नॉलेज है, मैं इसको किया, 50,000 रुपए लगाऊंगा, बाउंड्री करके रख दूंगा मैं इसको, ठीक है। जस्ट आपको मैं ये पक्का बता सकता हूं क्योंकि मैंने वहां की थोड़ी सी रीडिंग की है, वहां से मेट्रो का कुछ प्लान हो रहा है, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो जिस दिन वो सेंशन होगा उस दिन ही उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम 15 लाख रुपए हो जाएगा। छोटा सा था, मैंने कहा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15 लाख रुपए हो जाएगा। अगर 2 साल 3 साल के अंदर 5 लाख का प्रोजेक्ट 15 लाख का हो जाता है, ये कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग की पावर है, ठीक है। तो आपको 10 लाख रुपए का फ्री का बेनिफिट हो रहा है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, छोटा सा इन्वेस्टमेंट ये सब लोग कर सकते हैं और 15 लाख रुपए हो गया। अब बोलोगे सर ये तो बीम में नहीं आता, भैया बीम में नहीं आता, सिविल इंजीनियरिंग में तो आती है, ठीक है, वो कौन बनाएगा कल को। अभी मैं कई सारे मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि मैं लोगों को, जैसे लोगों के पास जाता हूँ, तो उनके पास जाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि मैं आपको प्लानिंग तो करके दूंगा, मैं आपको एग्जीक्यूशन करके दे दूंगा, ठीक है। मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर, बहुत अच्छा वो एजुकेशन का काम करता है, तो हम टाई अप कर लेते हैं। तो ये भी तो बीम का ही काम है। तो पैसे कमाने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, नॉलेज डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है, उतना अच्छे से जो एक्सपीरियंस हो गया वो समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। थोड़ा सा ना आँख को खोलना पड़ेगा, मतलब वही था कि बचपन में हमें भी बोला गया था जॉब करोगे, कौन सा जॉब करोगे, कितना पैकेज पाओगे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, बोर नहीं करूंगा आपको, ठीक है। मेरे एक अंकल है, ठीक है, मतलब पड़ोसी हैं, बट अंकल है, मुझे बहुत मानते हैं, जैन अंकल है, आप सबको पता होगा जैन बहुत रिच होते हैं। तो मैं जॉब कर रहा था 12,000 रुपए की चंडीगढ़ में, तो मैं उनके पास गया, तो मैं उनको पैर छुआ, तो बहुत मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनको बस पैर छुआ, तो उन्होंने बस मुझसे ऐसे पूछा कि आकाश आ गया, मैंने बोला हाँ आ गया, बोले कितने महीने बाद आया, मैंने बोला 4 महीने बाद आया जैसे जनरली होता है। तो उन्होंने बोला कितने इकट्ठा किया, ठीक है। अब उनको कौन बताए कि 12,000 रुपए के रुपीज में क्या मैं इकट्ठा करूंगा, लेकिन मेरे माइंड में आया कि यार मैं क्या, इन्होंने क्वेश्चन तो सही बोला कि 4 महीने इन्वेस्ट करने के बाद मेरे सेविंग क्या है, और जीरो सेविंग थी मेरे पास, सच बता रहा हूँ मैं, मुश्किल से मुश्किल 2-4 हजार रुपए अकाउंट में रहे होंगे। फिर मैं उसके बाद फिर से गया उनके पास, मतलब लगभग 1 साल बाद, मैं लगभग 6 महीने बाद घर जाता था पहले, तो 6 महीने बाद उनके पास फिर से गया, तो फिर मैंने पैर छुआ, तो वो मतलब बिजनेसमैन है वो, तो सीधे ही बोले आकाश कितना कमाया। तो फिर वो कभी कभी तो ऐसा था होता था कि मेरा पासबुक भी चेक कर लेते थे वो, तो मतलब इतने फ्रेंडली थे। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास 2-4, 10 हजार रुपये तक ऐसे कुछ रखा हुआ है, कहते हैं यार तू पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया, उन्होंने सिंपल वर्ड बोला 1 साल तूने बर्बाद कर दिया आकाश, 1 साल में तू मुश्किल से 10 हजार रुपये भी तेरे पास सेविंग नहीं है। वहां से ना मेरे माइंड में आया कि यार बात तो ये सही बोल रहे हैं कि अगर मैं केवल सैलरी पर डिपेंड रहा तो मेरा क्या होगा, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में आया, फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना स्टार्ट किया, फिर मैंने लड़कों से पूछा तो उन्होंने बोला कि यार आज के टाइम में तो सब ऑनलाइन कर सकते हो, फिर वो भी थोड़ा किया, OLX वगैरह किया, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बट आप उन बिजनेसमैन की माइंड को थोड़ा सा समझ जाओ। उन्होंने क्या बोला, उनका बस यही क्वेश्चन का आंसर दिमाग में रख लो, क्या बचाया, हर बार यही पूछते हैं, अभी भी मेरे से वही पूछते हैं, अभी मेरे से बड़े खुश रहते हैं, तो क्यों, अभी मैं उनको बोलता हूँ कि इसके ऊपर हो गया, तो बोलते बस ठीक है, ठीक है। और उनको चाहिए नहीं कुछ भी, बस उनका प्यार है, ये बचपन से देखा हुआ है, बचपन से खिलाया हुआ है, तो सोचते हैं ग्रो करेगा तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है। तो कुल मिला के हमें इस तरीके सोचना पड़ेगा एज लाइक आफ्टर सम टाइम्स कि हम कितना सेव कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो जॉब करो, जॉब के साथ अपने अंदर से एंटरप्रेन्योरशिप को जागृत करो, यही मेरा आज का मीटिंग का तुम ध्येय समझ सकते हो। गुरुकुल में ज्वाइन करो या ना करो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसमें 20 बच्चों को ज्वाइन करना हो तो हो ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप लोग सीखो, कहीं से भी सीखो, मेरे से अच्छा भी कई लोग प्लेटफॉर्म सिखा रहे होंगे, तो क्या बोलते हैं ये स्टोरी तो रिच डैड एंड पुअर डैड की तो अलग है थोड़ी सी सोलंकी, और रिच डैड पुअर डैड को मैंने लगभग 4 बार पढ़ी है बुक, बहुत अच्छी है, लेकिन उसका स्टोरी थोड़ा अलग है, लेकिन मेरा स्टोरी एकदम जो प्रैक्टिकल था वो मैंने तुमको बताया, ठीक है। चलो किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर अलविदा लेंगे। सर वन लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो सर। अभी वो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट, तो आपका कोर्स जो ऑनलाइन है तो फिर वो जो सर्टिफिकेट आप दोगे वो ऑनलाइन ही रहेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन नहीं रहता वो ब्रदर, सीधे 4 मंथ का इंटर्नशिप होता है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो,
ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन पूछना था यहाँ पे कि सर मैं ऑफलाइन में जाऊँ कि ऑनलाइन में जाऊँ, हाँ सर, तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए, तुमने नहीं पूछा, ठीक है? यस सर, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होता है कि आप सबको पता होता है कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि एक तरफ आईआईटी रुड़की के एक लाइक प्रोफेसर हैं, आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर हैं, और एक तरफ टायर थ्री के एक सिटीज का एक टीचर है जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, उन्होंने जस्ट 10,000 रुपए में एक जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन वो तुम्हारे घर के बगल में है जो 10,000 रुपए में ज्वाइन किए हुए हैं, और जो आईआईटी रुड़की के हैं वो थोड़ा सा दूर है, वो तुमको टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम ऑनलाइन अगर मेरे साथ आते हो तो मैं तुमको 15 मिनट 20 मिनट दे सकता हूँ, तो वो 15 20 मिनट देने को तैयार है, और जो ये 10,000 रुपए में जिनको जॉब नहीं मिल रही थी बस उन्होंने जुगाड़ लगा के कहीं से कर लिया या फिर किसी के रेफरेंस से कर लिया, और ये तुम्हारे लिए बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटा तुमको दे दूंगा, ठीक है, तुम किसको प्रीफर करोगे, 15 मिनट आईआईटी रुड़की का या फिर टायर थ्री के क्या बोलते हैं उस टीचर का जिसको खुद जॉब नहीं मिल रही थी, बस रोजी रोटी चलाने के लिए स्टार्ट किया 10,000 रुपए में, बताओ खुद भावेश, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया क्या? ठीक है, शायद इसको आवाज नहीं जा रही क्या, चलो किसान तुम अपना क्वेश्चन पूछ लो। हेलो सर, हाँ जी बोलो। सर मैं अभी भी जरा लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ बीम और अरे स्ट्रक्चर में। अरे बोलो ना, तुम बीम और स्ट्रक्चर्स में अभी भी कंफ्यूज हो, मैं तो हाँ तुमको सर, कॉल पे भी तुमसे बात हुई थी ना हमारी। सर का बात हुई थी पर मैं जिधर रहता हूँ उधर स्ट्रक्चर का मीन्स कम काम हो रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर का काम कम हो रहा है तो बीम का भी काम कम ही हो रहा होगा। बीम का सर इधर G+1 की सिर्फ परमिशन है ना इसलिए। अच्छा, ये तुम वहां से शायद हो ना, कोई स्पेशल जगह तुमने बताया कि वहां से हो ना, कहां से? भुज से हूँ सर, ओके, भुज भुज, हाँ भुज से हो, करेक्ट करेक्ट, वहां पर परमिशन नहीं है ना, वो जैसे सेस्मिक जोन है ना वो। जोन भाई का है सर इसलिए। हाँ तो तुम बीम में करियर बना लो। इधर सर मैंने स्ट्रक्चर में ड्राफ्टिंग का किया था हाँ फिर मेरे को ऐसा लगा कि जरा स्कोप कम है। तो बीम में कर लो ना, ओके सर, ठीक है, तुमने शायद स्ट्रक्चर में एडमिशन भी ले रखा है ना, मुझे लगता है गुरुकुल में, हाँ हाँ सर मैं शिफ्ट इसलिए कर मैं दूंगा, मैं शिफ्ट कर दूंगा, डोंट वरी, ओके थैंक मैं यू शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है चलेगा, ओके। किसी और को कोई कोई, लेकिन मुझे याद दिला देना कल सुबह, ने मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, मेरे पास काम थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक सर, है, मैं मैसेज कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछो भैया, वैसे मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो सब लोग क्वेश्चन लेने आ रहा है, किसी को क्वेश्चन बचा तो नहीं? ठीक है, होप सब लोग सेटिस्फाइड होंगे अपने अपने आंसर से, अपने अपने क्वेश्चन से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ आते हो तो आपको ये फील होगा कि यार 4 महीने में किसी एक अच्छे इंसान के साथ मैंने कुछ वक्त बिताया और कुछ नया सीखा सिविल इंजीनियरिंग में, इसकी मैं आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट दे सकता हूँ, और इसका ट्रस्ट देने का सबसे बड़ा प्रमाण ये हो सकता है कि मेरे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर हैं, ठीक है, अगर मैंने थोड़ा भी गड़बड़ पढ़ाया होता ना तो शायद आज वो मेरे साथ नहीं होते, ठीक है, तो मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट को बहुत प्यार करता हूँ, रीजन यही है कि डेफिनेटली उनको बेनिफिट हुआ है तब जाके वो मेरे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज तो वही होता है कि वो घड़ी का प्रचार आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है, चलो ठीक है, सबको गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अपना कमेंट जरूर देना कि आपको कैसा लगा सेशन, ठीक है, थोड़ा सा मैसेज करके मेहनत कर लो, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसा लगा सेशन, सो दैट कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग करें। अरे वाह, थैंक यू सो मच, क्लैरिटी है और आंसर डिफाइन द थॉट, ओके थैंक यू सो मच सर, ओके, सबको अच्छा लगा, किसान को अच्छा लगा, सभी लोग अपना अपना फीडबैक जरूर देना, श्रेया द्विवेदी को अच्छा लगा, ठीक है, और किसको अच्छा लगा, मंजुनाथ को भी अच्छा लगा, आबिद अली ने तो दिल ही दे दिया, क्या बात है, लेकिन मैं दिल ले नहीं सकता, मैं लड़का हूँ। हाँ सुहेल बोलो, आपका कुछ क्वेश्चन शायद आप बोलना चाह रहे हैं, सुहेल सैफी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, अभिजीत थैंक यू, ओके शक्तिमान थैंक यू, ठीक है, रिलैक्स रहना चाहिए चीज़ों को लेकर, या लाइफ में रिलैक्स जितना रहोगे तो उतना नया सीखोगे, सबसे अच्छा लर्नर होता है 2 साल 3 साल का बच्चा, वो बन गए ना तो फिर आप हमेशा डेली सीखोगे नया, ठीक है, आज मैंने इनसे वो वेबसाइट से लैपटॉप कंपेयर करना सीखा, मुझे नहीं आता, चलो थैंक यू, बाय बाय, एंड होप सो जल्दी ही मिलेंगे हम लोग, ठीक है। अभी एक भाई साहब अभी आ रहे हैं, अरबाज अंसारी जी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपको मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, अरबाज आप लेट हो गए, चलो ठीक है, थैंक यू।